नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का खास प्रोग्राम है बरगद। नाम से ही जाहिर है, ऐसी शख्सियत से बात होती है, ऐसे लोगों से बात होती है जिनकी जड़ें खूब भीतर बैठी हैं और जिनके अंक में जिंदगी आकाश की तरह विस्तार पा पलती है। बरगद में आज के हमारे मेहमान मशहूर एक्टर, जिन्होंने खूब थिएटर किया, खूब टीवी, खूब फिल्में, विनीत कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो नमस्कार। बातें हैं जिनके कई सिरे हैं। बातें हो सकती हैं पटना की और मैट्रिक के दिनों की, बड़े भैया एक पेशे में गए तो उसके दबाव की, थिएटर की, इप्टा की, जीवीएम की, एनएसडी पहुंचने की, सीनियर जूनियर वाली घिसाई की, जेपी मूवमेंट की, दिनकर से, रेणु से, बाबा नागार्जुन से मिलने की, या फिर मुंबई पहुंचने की, और वो जो जुट है मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा, तिशु, नवनीत, नरेंद्र झा साहब थे, आशीष विद्यार्थी, चाणक्य की बातें हैं, राजन कोठारी की बातें हैं, द्रोह काल की बातें हैं, रामू की बातें हैं, वो जो खास तरह के सीन्स हैं जिनको करने में आपको दिक्कत होती है और दोस्तों को सुख मिलता है उसकी बातें, इरफान के साथ जो रागात्मकता है उसकी बातें, भोपाल, प्रेयर फॉर रेन की बातें, या सिनेमा में जो तब्दीलियां हो रही हैं उसकी बातें, शिकस्त से लेके जो एक सफर रहा वो कहाँ तक पहुंचा उसकी बातें, तेलुगु सिनेमा की बातें, खासतौर पर विक्रमार कुडू और उसके बाद की फिल्मों की, पॉलिटिक्स को लेकर जो जिच है उसकी बातें, मसान का वो रोल, वो मतलब जो चिता की आग जो चेहरे पर नजर आती है, इन सब पर बात करेंगे, साहित्य पर बात करेंगे, जीवन पर बात करेंगे, बरगद के तले बैठने का, उसे निरखने का और उस पर पनप रही तमाम जिंदगियों के को निहारने का, समझने का, उनकी संगत पाने का, यही सुख है। और मुझे पूरा भरोसा है कि विनीत कुमार जी की जैसी तबीयत है कि वो ज्यादा देर तक फरेब को फटकने नहीं देते हैं और सच कभी सायास पर अक्सर अनायास जबां पर आ ही जाता है, तो वैसा ही कुछ बरगद का ये इंटरव्यू होगा। शुरू करें सर। जी बिल्कुल, आपने तो ऐसा बरगद कह दिया। मुझे बरगद के जड़ से, उसके जड़ के गहराई से आपत्ति नहीं होती है, लेकिन बरगद के इस प्रकृति से आपत्ति होती है कि उसके नीचे कोई पनपता नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा बरगद हूं कि जिसके नीचे कोई ना पनपे, तो मुझे काट के फेंक देना चाहिए। इसकी एक उलट थ्योरी भी है दादा कि हाँ, बरगद वो पेड़ है जिसके नीचे तो कोई नहीं पनपता है पर जिसके समानांतर जिसकी शाखों पर तमाम जिंदगियां पनपती हैं। आपको नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते दिख जाएंगे, बिल्लियां दिख जाएंगी, सांप दिख जाएंगे, सब और ये हम देखिए मानते हैं, हाँ तो मानते और हैं। दूसरी चीज ये है कि हम सब अपनी अपनी महानताओं में या अपने अपने अनुभव में उस एकाकीपन के लिए अभिशप्त होते हैं। हाँ, मतलब मैंने चूंकि बरगद देखे हैं, जो आप बरगद, उन बरगदों के नीचे कोई नहीं पनपा है। मैं नाम जब खोजने लगता हूं तो मुझे लगता है कि इस बरगद के नीचे कौन पनपा, पता चला कोई नहीं पनपा। ये एक समस्या है पर हमारा ये बटवृक्ष बहुत से बड़ी आशय उस अनुभव को लेकर, जिंदगी को लेके नहीं और नहीं मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं। ये समस्या मेरी है कि जब हमें कहा जाता है कि आप के अंदर वो शक्ति है कि आपने अपने अनुभव से प्राप्त की है, तो उससे, प्रकृति के नियम से हट के, आपको कुछ बनाना चाहिए। जैसे आप, अगर आप, हम आपसे ये पूछें कि ये बताइए कि, अब सीधे सीधे मैं वो एक बड़ा नाम ले रहा हूं, हाँ अलकाजी हाँ खुल साहब। खुल के बात हो हाँ, अलकाजी साहब, जी। मुझे आप ये बताइए कि अलकाजी साहब
के अभिनय, इतने दिन तक एनएसडी के डायरेक्टर रहे, इतना नाटक उन्होंने किया वहां पे, इतने स्टूडेंट उनके निकले, सब उनको बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, उनके नाटक करने या अभिनय करवाने का प्रोसेस क्या है कोई बता सकता है इस देश में? या हबीब तनवीर का, या पणिकर का, या कामबार का? बादल सरकार ने तो खुद लिख दिया था अपना, एक एक पुस्तक लिखी थी कि जो वो प्रोसेस है। हमारे यहां यही समस्या दिखती है कि जो बनता है धीरे धीरे अपने अनुभवों से, उसके प्रोसेस को नहीं लिखा जाता है। तो हम कैसे समझें, खाली तस्वीर लगा के हम अलकाजी का जो है रोज फूल चढ़ाएं? कोई किताब तो होनी चाहिए, उनके इतने स्टूडेंट हैं, लिखें तो कि भैया क्या प्रोसेस था उनका। हबीब साहब का क्या प्रोसेस था, वो कैसे करवाते थे लोगों से काम? ये नहीं है हमारे देश में। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, इस पे जो है उन लोगों को, जो अब तो हम ही इतने सीनियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम उन लोगों के साथ काम नहीं कर सके हैं, इसलिए उनके साथ, तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस बहुत जरूरी है देखना कि कि कैसे वो अभिनय करवाए, क्या वजह थी। अंततः मैंने खोज डाला, अब कुछ नहीं मिला तो मैंने खोजा। अलग अलग उनके जो छात्र थे उनसे जब बातें होती थी तो मुझे लगा कि संभवतः उनका एक ही सिद्धांत था और वो था अनुशासन, हर चीज का अनुशासन। और वो अनुशासन समय से शुरू होता था, समय पे आओगे, जो कहेंगे करोगे, ये अनुशासित आप रहोगे। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम सब लोगों को इस बात पे विचार करना चाहिए आर्ट एंड कल्चर में, कि जैसे सिनेमा में ही, सिनेमा में अगर आप देखें, अगर ये हम देखें तो आपने ये एक पुस्तक खोली है जो आप लोगों से बातचीत करते हैं, ऐसी बातचीत संभवतः दूसरा कोई नहीं करता है, कि उसके मूल कि भाई ये तो सब ठीक है कि आपने ये कर लिया, ये कर लिया, आपने ये किया कैसे? सिर्फ मेरे बारे में या किसी के बारे में अच्छी अच्छी बात करने के अतिरिक्त ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई आप यहां तक जो पहुंचे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। तो आपने एक पुस्तक तो गढ़ लिया है, जाहिर है कि कई लोग, जैसे मिश्रा का मैंने सुना था, मिश्रा ने कहा घंटा भर का, तो हम बोले घंटा भर कितना काम है का? तो मैंने सुना तो उसके जीवन का जो बिल्कुल जमीनी अनुभव जो है, अब इसको समझने की बात है कि वो हमेशा जमीनी अनुभव की बात करता है। आप, तो मुझे लगता है कि लोगों को इस विषय पे काम करना चाहिए। और दादा आप जब ये बोल रहे थे तो मुझे जो एक भारत की समस्या है, जो हम लोग चीजों के दुरुस्त संग्रहण को लेकर, हमारी कई लोक कलाएं हैं, कई भाषाएं हैं जो छींचती जा रही हैं, और एक नेशनैलिटी के तौर पर हमारे अंदर वो आग्रह नहीं है कि हम इन सबको प्रिजर्व करें। आपने अलका जी के संदर्भ में जो बात कही, कितनी ही पांडुलिपियां हैं जो खत्म हो जाती हैं, कितनी ही बातें हैं जिनका जिनको सही समय पे एक दस्तावेज के रूप में हम सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। एंड यू राइटली सेड कि वो फिर आगे वाली पीढ़ियों के लिए मुश्किल हो जाता है। ये दिस इज समथिंग वो कॉपी करते हैं, वो प्रोसेस जानते नहीं है, देखते हैं। जैसे अभी मैंने फेसबुक पे देखा किसी अरे भिखारी ठाकुर, वो 110 या 108 साल के हैं जी, और भिखारी ठाकुर के ग्रुप के हैं, और उन्होंने गाना गाया और भिखारी ठाकुर पे बातें की।
ऐसे ढेर सारे लोग होंगे ना, तो चारों तरफ हर जगह ये काम करना चाहिए। जैसे मेरे एक मित्र रहे, कॉमरेड मित्र हैं, उदय, बनारस के, इलाहाबाद में दस्ता हुआ करता था, अरे तिशु सारे लोग दस्ता में हुआ करते थे, वो भी दस्ता में था। तो बनारस में उसने एक संस्था खोल रखी थी, वहीं रहते थे, वहीं आर्ट एंड कल्चर और स्कल्पचर और क्या क्या सब अलग अलग स्टूडेंट वहीं होते थे और काम करते थे। उन्होंने करीब 5,000 से ज्यादा लोकगीत उत्तर प्रदेश के यानी भोजपुर इलाके के जी कलेक्ट किए, और कलेक्ट कैसे किए, उन बूढ़े लोगों के पास गए जिन्होंने ओरिजिनल धुन सुनाई। अब पता नहीं उनका वो कलेक्शन है नहीं है, कहां गया। ये बहुत दुर्लभ सी चीज है कि वो तो बूढ़े लोग है ही नहीं, वो गांव में जा जा के कि वो कुछ 90 साल के हैं, वो 70 साल के हैं, वो इतने साल के हैं, उनसे सुना हुआ, उनसे वो लोकगीत का ओरिजिनल सुना, रिकॉर्ड किया उन्होंने। अब किसी से कोई इसमें इंटरेस्टेड रहता नहीं है, इंटरेस्ट बस एक ही चीज है कि आप पॉपुलर हैं या नहीं हैं, आपको कोई अवार्ड मिला या नहीं मिला, तभी आप एग्जिस्ट करते हैं, वरना आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये आश्चर्य है, आश्चर्य का विषय है मेरे लिए कि ना तो मैं पॉपुलर हूं, ना मुझे कोई अवार्ड मिला है, फिर भी आप मुझसे बात कर रहे हैं। ये वजह मेरी समझ में नहीं आई इसकी। वजह हमें बखूबी पता है और इस बातचीत के आखिरी तक नहीं, जाहिर है आपको पता होगा, मुझे पता नहीं है। अच्छा चलिए, ये भी मुझे लगता है कि यार उन्हीं लोगों को लाया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ना, इस उम्र में, इतनी उम्र में तो मैंने यही सब कुछ देखा है ना, पिछले 31 साल से बंबई में हूं। अब ये मेरी अपनी थोड़ी सी है कि लोग हमसे ज्यादा सटते नहीं हैं, ज्यादा उनको लगता है कि भैया दूर रहो, दिमाग भेजा से गर्म है ये आदमी, अपना एग्जिस्टेंस बना रहता है। नहीं तो देर थोड़ी लगती है हमारे मुंबई शहर में लोगों को दुत्कारने। तो ये हमें बड़ा अच्छा है ये मौसम कि मैं जो हूं आपके साथ बात कर रहा हूं, और जितना कुछ मुझे लगता है कि मुझे आता है मैं बोलने की कोशिश भी करूंगा। अच्छा, हमको ये बताइए कि जो बरगद के बीज की शुरुआत है, तो ये मतलब इस सवाल को बहुत क्लीशे ढंग से भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि विनीत कुमार के टटकेपन में और आवेग को पालने का जो हुनर है, जतन है, मजबूरी है, पीड़ा है, साहेबलाल श्रीवास्तव और प्रभा आपके पिता और माता, उनका कितना योग, कितना वो दिखता है आपके व्यक्तित्व? कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अपने बाप सा होता जा रहा हूं क्या, या अपनी माँ सा होता जा रहा हूं क्या? मैं अपने माँ और बाप दोनों की तरह हूं। जब क्रोध आता है तो मैं बाप हो जाता हूं, और जब क्रोध में नहीं रहता हूं तो माँ होता हूं। तो वो दोनों लक्षण मेरे अंदर हैं। देखा जाए तो बीज रूप में इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है इस कला के क्षेत्र में आने के लिए। मेरी भी समझ में नहीं आई ये बात कभी कि जो व्यक्ति या जो बच्चा फ्यूडल क्लास का है और हमेशा ही जीवन में जो है तोड़ दो, जला दो, काट दो, मार दो, फेंक दो, हटा दो, ऐसे भाव के उस बालक, उस जवान के अंदर ये कला कहां से फूट पड़ी, कैसे फूट पड़ी, ये मेरी समझ के बाहर है। लेकिन कुछ चीजें हम
चूंकि बहुत बड़ी जमीन थी तो पिताजी कहते थे कि अरे सब छोटा है, वहां कहाँ घर बनाएंगे। तो बाकरगंज में हम लोग पहले पिताजी आके रहे, बाकरगंज नटराज होटल के बगल वाली गली में अंदर। और उसके बाद 70 में, 69 70 में हम लोग फिर चिरैया टाउन, जो अपना हम लोगों का घर है, वहां रहने चले गए। चूंकि पिताजी उत्तर प्रदेश से आए थे और पिताजी को संभवतः उत्तर प्रदेश से आने के पीछे एक ही रीजन दिखाई देता है कि जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, उनकी छोटी जमींदारी थी, उनको वो जमींदारी जो है पसंद नहीं था। वो बहुत आम आदमी की तरह रहना पसंद करते थे। तो वो वहां से चले आए इधर और अपना एक अलग व्यक्तित्व तो बनाया और हम लोगों को डिसिप्लिन में रखा कि क्या भाई, करते थे पिताजी काम? अच्छा, पिताजी डीटीओ थे, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करते थे। और वो ऐसा एक विभाग था, वो पहले वो पुलिस विभाग में मिला होता, 65 में वो अलग हुआ, पहले वो पुलिस विभाग में होता था, एमवीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, और डीटीओ डिपार्टमेंट, ये सब एक हुआ करता था। वो पुलिस विभाग के अंदर था, 65 में वो अलग हुआ। और ये विभाग जब अलग हुआ तो इसके बारे में, विभाग के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इसमें तो छठी दिशा से पैसा आता है जो दिखता ही नहीं है। चार दिशा होता है, पांचवा तो समझ में आता है, छठी दिशा से आता है। तो विभाग ही ऐसा है जहां लाइसेंस बनता है, जहां ट्रक अगर बना है या बॉडी है तो उसकी नपाई हो रही है, नपाई में अगर एक सूत बढ़ गया तो बस समझ लीजिए। तो बस वही सब अपना, तो विभाग वैसा था। मेरे पिताजी बड़े ईमानदार, बहुत उनका अपना एक दबदबा था, एक लोग बड़ी इज्जत करते थे। शायद वो ईमानदारी मेरे अंदर थी। वो बचपन में मुझे याद है, ये कहानी जैसा लगता है बिल्कुल, लेकिन यही सच है। वो उनका नाम था करतार सिंह। करतार सिंह का 250-300 ट्रक चलता था और कितनी बसें चलती थी। वो सिटी में रहते थे, तो वो घर आए मिलने के लिए पिताजी से। तो हम लोगों के लिए घर से निकलना वर्जित था, वो निकल नहीं सकते थे। तो जब कुंडी बजती थी ना, तो दरवाजा खोल के झांकने में ही जो है ना, एक आनंद आ जाता था। तो हमने खोला तो वो देखे, वो लंबे 6 साढ़े 6 फुट पग लगा के और लंबे। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी हैं? तो हम अंदर आए, हम बोले कि वो एक सरदार जी आए हैं। तो पिताजी बोले, बोल दो मैं नहीं हूं। और मैंने यही जाके कहा, वो पिताजी ने कहा है बोल दो मैं नहीं हूं। वो हंसे और उन्होंने मुझे गोद में उठाया। मैं रहा हूंगा 4-1 साल का। मैंने कहा नीचे उतारिए। मुझे पसंद नहीं था कि कोई गाल छू ले, कोई गोद में उठा ले, मुझे कतई पसंद नहीं था। यानी 3 साल से मुझे याद है, और मैं उस समय से अपने आप को बहुत ही एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व मानता रहा हूं। और मेरे घर में सभी लोग, भैया भी वैसे ही थे, दीदी भी वैसी ही थी। तो सच बोलना जो है, ईमानदार होना जो है, अनुशासन जो है, अपने पिताजी से सीखा। अनुशासन का मतलब कि अगर 4 बजे है टाइम, तो 4:01 जो है अनुशासन नहीं कहलाता है। 4 बजे का मतलब 4 बजे, ये है डिसिप्लिन। अब आप सोचिए कि जब हम स्कूल से लौटते थे तो भैया, हम लोगों का एक ही टाइम था, भैया सीनियर थे तो, लेकिन एक ही समय क्लास चलता था। ये 6th की बात है, 7th 8th। भैया जब 8th में पहुंचे या 9th में, तो उनका समय और मेरा समय क्लास का बदल गया। अब मैं अकेले आने लगा। अब हम लोगों को कुछ था, मिनट दिया हुआ कि 10 मिनट का टाइम आप लोगों का है। फादर चल के गए थे कि इतना टाइम लगता है, इतने ही टाइम में स्कूल से घर की कुंडी बच जानी चाहिए। अगर नहीं बजा तो सवाल होगा कहाँ थे, और ये सवाल बहुत खतरनाक था कि कहाँ थे। तो जो भैया जब अलग, उनका समय हो गया स्कूल का, तो हम जब उधर से आए तो हमको बार बार ये लगे कि यार इधर ही से क्यों, इधर से क्यों नहीं। तो लगे पहले कुछ दिन सोचे, हमको लगा यार फिर उधर जाएंगे गड़बड़ा जाएगा, देर हो जाएगा, तो फिर सवाल हो जाएगा, तो क्या कर। तो बीच में पार्क पड़ता था,
बिरला, हम पटना कॉलेज एट स्कूल में पढ़ते थे, पार्क पढ़ता था, मेरे दिमाग ने काम किया, हमने कहा कि पार्क में तुम क्रॉस कंट्री रन करो, दौड़ो। दौड़ने पे मेरे पास 3 से 4 मिनट बचा, और 3 से 4 मिनट में जब हम इधर आए तो एक गली में घुसे, और गली में घुस के अंदर गए तो पता चला ये मेरे स्कूल की तरफ निकलती है। तो गली में जब थोड़ा अंदर गए तो मैंने देखा कि गोश्त टंगा है। मुझे लगा कि यार ये कौन सा गोश्त है, हम लोग तो खाते हैं तो छोटा होता है, ये इतना बड़ा गोश्त क्या है। हम चले गए दुकान के पास, भगा दिया, फिर हम घर चले आए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बोले यार चलो हटो, बड़ा गोश्त है। अब मेरी समझ में नहीं आया कि यार ये बड़े का गोश्त क्या होता है। अब मेरे सारे दोस्त मुसलमान, आज भी हम 5 दोस्त हैं स्कूल के समय से ही, सैयद नसीम अख्तर, जावेद कहते हैं हम लोग, वो बहरेन में है, शकीबुर रहमान, आफताब आलम, अली रजा और विनीत कुमार। अली रजा के यहां जो है, हम पहुंचे, हम बोले कि उसके फादर इंग्लैंड में डॉक्टर थे, तो सारे गैजेट्स जो जो है इलेक्ट्रिकल, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सब उसके पास, खेल खिलौने वो होते थे तो वहीं बैठ के खेला करते थे। तो हमने पूछा यार ये बड़े का गोश्त क्या होता है, तो उसने कहा फ्रिज में रखा है। फ्रिज खोले, गरम किए, खाली, बड़ा स्वादिष्ट लगा। थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी आई, अम्मी ने उससे पूछा अरे ये गोश्त कहाँ गया, तो हम लोग खेल रहे थे और उसने कहा विनीत खा गया, ऐसे नॉर्मल कोर्स में विनीत खा गया। अचानक जो है वो 1 2 3 4 काउंट बीता होगा, एक झापड़ पड़ा अली रजा को, अली रजा बिस्तर पर लुढ़कते उधर चला गया। हम बोले इसको मार कह रही है, फिर हमको कहा खड़ा हो, हमको खड़ा करके बाहर, घर के बाहर ले आई, जो ओटा होता है गली के बाद जो ओटा चढ़ते हैं घर के अंदर, बोली यहीं खड़े रहो। वो बगल के घर में गई, बगल कहीं गई, बगल घर में एक कटोरा हाथ में था उनके, बोलिए चली आई, उसमें पानी था जो निश्चित रूप से गंगा जल रहा होगा, और उन्होंने कटोरे को हाथ में लिया और बाहर दरवाजे के ऐसे उन्होंने मेरे ऊपर छिड़का, गंगा जल छिड़क के कुरान पाक की आयतें पढ़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज, उस समय तो हमें समझ भी नहीं आया था। आज हमको लगता है कि देखिए कि क्या मतलब ये देश का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कमाल है कि उस मुस्लिम औरत ने अपने घर में एक हिंदू को अपवित्र होते हुए देखा और बाहर ला के पवित्र किया, फिर घर के अंदर लेके आई और कहा खबरदार दोबारा उस चीज पे हाथ मत रखना। अब कोई कहे कि हम आपको हिंदू मुसलमान समझाएंगे, कैसे संभव है, हमने जो देखा है। अब ये अलग सी चीज है कि राजनैतिक रूप से चीजें जो हैं बरसों बदल गई, ये हम बात कर रहे हैं कुछ 1969-70 60 साल पहले, जी, 65, नहीं, और पहले, ये 65 66 की बात कर, हाँ 65 66 की बात होगी। तो आप जब हमें ये दिखा तो धीरे धीरे मुझे ये लगा कि अभी जो मैं अपना व्यक्तिगत जो बता रहा हूं उसके पहले मैंने ये बताया था कि मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज चलती है, काट दो, तोड़ दो, फोड़ दो। अब मुझे धीरे धीरे जब मैंने सोचना शुरू किया कि भैया ये क्यों हुआ, तो आप सोचिए कि थिएटर में खोज एक सबसे बड़ा विषय है और सीमित समय में। तो मैंने अपने जीवन में खोज करना सीमित समय में सीखा,
उसका प्रैक्टिकल किया बचपन में कि भैया स्कूल में दौड़ के 4 मिनट का समय बचाए, 3 मिनट का समझ बचाए, उसमें हमने खोज किया, वो खोज थी मेरी, ये गुण इनबिल्ट था शायद, नहीं तो मुझे बचपन से कोई सिनेमा देखने का शौक नहीं, कला क्या होता है मालूम नहीं, और जो संबंध मैंने जिए और ये सारी चीजें जो मैंने देखी अपने जीवन। शुरुआत का जिक्र कर रहे थे बिहार। एक तो मुझे पता नहीं क्या, ये मेरी खपत समझ लीजिए, जैसे मुझे आपने कहा ना तो मेरा मन किया अच्छा मैं पूछूं कि 65 की लड़ाई का कुछ याद है, 71 की लड़ाई का कुछ आपको याद, मुझे 62 लगता है का क्यों याद पढ़ी। है? मुझे 62 का याद है। अच्छा 62 का कैसे याद होगा, तब तो आप 4-5 साल के रहे होंगे। अरे भाई तो कह रहा हूं मैं 3 साल से मेरा शार्पनेस है बुद्धि का, सब याद रहता है। बताइए 62 62 का में, जी। 62 में वो याद है, सायरन बजता था 2 टाइम, और मोहल्ले होते थे, कॉलोनी थी नहीं, तो मोहल्ले में जहां मिट्टी होता था वहां ट्रेंचेस बनाए गए थे गड्ढे अंदर, और सायरन बजता तो सारे मोहल्ले के लोग, वो चाहे कोई हो, वो सब लोग उसमें ट्रेंचेस में चले जाते थे। अच्छा और संभवतः ये 62 में ही मैंने देखा गुरिल्ला। गुरिल्ला। हाँ, वो दानापुर जा रहा था सब, कि गुरिल्ला होता था, तो पिताजी ने दिखवाया हम लोगों को, वो पूरी फौज जा रही थी तो गुरिल्ला दिखाया। गुरिल्ला जो है वो पाला जाता था संभवतः इसलिए कि जब फौजियों के बंदूक बंदूक नीचे गिर जाते थे गड्ढे खाई में, तो गुरिल्ला जाकर निकाल के लेके आता था। वाह, मतलब मुझे लगा पहले जब आपने बताना शुरू किया कि यूनिट के मस्कट होते हैं, किसी का कुछ, किसी का कोई भालू रखता है, कोई बकरी, कोई अलग अलग, तो मुझे नहीं लगा नहीं ऐसा नहीं नहीं। वो फौजी फौज में वो एक इंग्रेडिएंट था, वो पता नहीं कितना सच है ये मुझे मालूम नहीं, बचपन का याद है तो वो वही याद है, मैंने फिर किसी से पूछा भी नहीं। लेकिन इसलिए रखा जाता था कि कोई जैसे फौजी गिर गया तो उसको निकालना है, कैसे निकालें, उस समय वैसा इक्विपमेंट था नहीं किसी के पास, तो इन लोगों का इस्तेमाल होता था, इन लोगों को ट्रेंड किया जाता था, ऐसा कुछ था। और संभवतः जो हेडलाइट पे आधा लगने का जो है कि लाइट ऊपर ना जाए, वो आपको याद नहीं होगा, आप जानते नहीं होंगे शायद, हेडलाइट पे हाफ ढक दिया जाता था। हाँ, वो बाद में जो जीप में ऊपर आता था ना, ऐसे मेटल का हल्का सा कवर यस जैसा। यस हाँ, हाँ, तो वो इक्कर ना भागे हमको, लाइट, ऊपर ना भागे, हाँ सीधे ऊपर सामने ना सड़क पे जाए, गिरे। हाँ, क्योंकि नीचे जहां लाइट दिखेगा वहीं बम गिरा देगा, इस टाइप से। तो ये सब याद है, 62 का, 65 का भी याद है, 65 की लड़ाई, 71 तो बिल्कुल काफी बड़े हो गए थे। नहीं, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली में फैसले हो रहे हैं, बंगाल के मोर्चे पे लड़ाई है, एक ये भी है कि वेस्ट फ्रंट ना खुल जाए, पटना जैसे शहर में जंग की खबरें एक टीनेजर के पास कैसे पहुंचती थी, वो रेडियो, अखबार, स्कूल में क्या रेडियो, डिस्कशन होते थे। रेडियो, अखबार, और मतलब असर, मतलब मुझे जहां तक याद आता है, क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे, तो हम बाहर की स्थिति की जानकारी कभी दे ही नहीं, मैट्रिक के बाद निकलना शुरू किए हैं, स्कूल में भी जो है वहां से सीधे घर आना, तो एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि बाहर कैसे हलचल होता था। मोहल्ले का जानते हैं कि मोहल्ले में जो है क्या है ना, कि मुझे ऐसा लगता था उस वक्त सब लोग सुरक्षित अपने आप को समझते थे, ये भरोसा हर किसी के अंदर था कि हम सुरक्षित हैं, हमें कुछ नहीं होगा, ये एक बहुत ही अद्भुत चीज आज की तारीख में जब हम सोचें तो लगता है कि आज भी हम उतने ही सुरक्षित हैं, ये क्रिएट किया जाता है कि हम असुरक्षित हैं, हमारा देश बहुत मजबूत है, इसके धागे बहुत मजबूत हैं, चाहे वो जाति का हो चाहे किसी का भी हो, ये क्रिएट करके वो क्योस बनाया जाता है, इससे राजनीतिक फायदा होता है, आप भी जानते हैं।
कि जैसे आपने शायद आप ही ने पूछा था ना उससे कि क्या सवाल किया था, तो उसने कहा नहीं हम तो हॉस्पिटल गए थे, कुछ था ऐसा ही एक हमने सुना था बिहार में कि सुने वो आए थे बोले नहीं हम तो हॉस्पिटल गए थे, पता नहीं क्या विकास विकास आया था। ये एक चैनल है आज तक से जुड़ा हुआ बिहार तक, उसके हाँ रिपोर्टर है उत्कर्ष, उन्होंने पूछा था विकास हुआ, कुछ गांव में विकास आया है, बोले हमें हाँ नहीं तो उन्होंने मालूम, कहा हम तो हम तो हॉस्पिटल गए। अस्पताल गए थे। अब आप सोचिए इनोसेंस आप देख लीजिए, जी इतने उसके बाद जो बावजूद आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो इतने इनोसेंट हैं, तो इसका मतलब कुछ लोगों की संख्या है वही क्रिएट करते हैं, और वही क्रिएट करके देश का जो एक सिनेरियो है वो दूसरा दिखाने की कोशिश करते हैं जो मुझे दिखता नहीं है। मुझे लगता है हम लोग आज भी उतने ही जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और ये बार बार जिक्र आ रहा है कि साहब दरवाजे से नहीं निकल पाते थे ये वो, और एक दफा जब आप नेशनल कॉलेज के दरवाजे में दाखिल हुए तो सब दरवाजे खोल लिए फिर खुद ही। हाँ नेशनल, फिर उसके बाद असल में पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, जब पिताजी का ट्रांसफर हो गया ना तो हमको छूट मिल गई। माँ जो है वो बहुत मानती थी, तो वो जो है जब हम अरे हम तो निकले हैं, फुर्सत कहाँ थी, थिएटर ही करते रहे। हम मैट्रिक पास किए, पढ़ना मेरे लिए जो है बहुत ही, 7वीं तक जो है पिताजी बोलते थे अरे 7th का ले, उस समय 7th का बोर्ड होता था, लास्ट ईयर था। अच्छा हाँ तो पिताजी बोलते थे अरे उसी में आया फर्स्ट क्लास तुम्हारा, उसका सर्टिफिकेट तो ले लो, दिखाने काम आएगा कभी फर्स्ट क्लास आया था तुम्हारा। वो पढ़ने में हमको बहुत इंटरेस्ट कभी रहता नहीं था, जीवन में इंटरेस्ट रहा है, लोगों में इंटरेस्ट रहा है। तो तो जैसे जब कॉलेज मैट्रिक, जाते ही थिएटर शुरू हो गया था कि पहले लफुआ बने घूमते रहते थे, नहीं नहीं लफड़ी ना, करते थे। वो कॉलेज में जो ही खत्म हुआ स्कूल, कॉलेज में पहुंचे और पहला जॉब पटना मार्केट लड़की ताड़ना, लड़की ताड़ना दूर से अपना ताड़ रहा है आदमी, ना उसको कोई लेना देना है ना किसी को लेना देना है, खाली हमको लेना देना है, हम देख रहे हैं। अब इसी में जो है हुआ क्या कि एक दिन भैया के दोस्त अमरेंद्र दुबे जो हैं वो बोलते रहे कि अरे चलो तुमको नाटक करवाते हैं, बोले नहीं नहीं हमको नाटक नहीं करना, हम बहुत बिजी रहते हैं। नहीं तो सुनीत भैया इतनी तब क्या कर रहे थे? उस समय वो जो है एमएससी कर रहे थे अच्छा, फिजिक्स, तब सिलेक्शन उनका नहीं हुआ था यूपीएससी में। ना ना वो तो 80 में हुआ है, उसके पहले जो है वो छपरा कॉलेज में लेक्चरर भी बने, अच्छा बैंक में जो है वो अभ्यास के लिए बैंक का जो है पीओ का, और एक एक अब कहानी चालू हो जाती, एक बार तो गए वो पीओ का एडमिशन था, हाँ यानी मतलब हो गया उनका किसी बैंक में, उसको क्या पीओ ही कहते हैं ना, प्रोबेशन ऑफिसर हाँ जी कहते हाँ हैं। जी हाँ जी तो वो डॉक्टर के पास जो है वो स्टेशन के पास डॉक्टर के भाई सर्टिफिकेट देना होता है, डॉक्टर ने फीस मांग लिया, भाई ने कहते नहीं नहीं तुमको छोड़ दीजिए, भरे ही नहीं, यानी मतलब ऐसे ही चला गया। पिताजी को भी लगता था अरे नहीं कुछ बड़ा काम करो, ये सब तो अभ्यास के लिए तुम्हारा चल रहा है, तो उनका अभ्यास होता था कि क्लरिकल जॉब का, पीओ का, इसका उसका देते रहिए। अच्छा, तो ये वैसा लोड रहता था क्या घर पे कि देखो बड़े भैया पढ़ने में बहुत तेज हैं तो छोटे को और एक्स्ट्रा खुराक हाँ मिल हाँ रही हाँ थी? हाँ हाँ हमको बोलना पड़ा था एक बार कि जब आईपीएस हो गए तो माँ को हम बोले भाई उनसे कहिए कि कैसे काम चलाएं हमको लोड ना दें। हाँ मतलब नहीं कर सकते हम। और पिताजी को लगता था ये क्या करता है रोज, पहले तो उनको समझ में नहीं आया। तो हुआ क्या कि दुबे जी जब कहने लगे कि चलो चलो, तो हमको लगा कि नहीं यार ठीक है अपना, हम लोग दोस्त लोग शाम के समय पटना मार्केट में बैठते हैं। एक दिन जो है एक दोस्त आया, कहा अरे ये भैया भी हैं इधर आए हैं, हम कहे कि चलो भाई दुबे जी का जरा देख लेते हैं क्या उनका प्रस्ताव है, इधर अगर भैया आ गए हैं तो दोनों लोग नहीं हो सकते हैं भाई, वो डिस्टरबेंस हो जाएगा। हाँ तो दुबे जी लेके गए वो रिहर्सल में,
और मैं जब रिहर्सल में पहुंचा तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। ऐसा थोड़ी कि पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार आदमी थे, सब सब जानते थे, लेकिन ये नहीं मालूम था लोग वहां बोल रहे हैं। तो हम धीरे धीरे पूछे, ये क्या बोल रहे हैं लोग? बोले, अरे ये डायलॉग है। बोले, अच्छा डायलॉग इनको याद है? बोले, नहीं किताब में लिखा होता है, उसको याद करते। हम बोले, अच्छा, किताब में होता है। तो हमको जो है, तोलक नाटक का चल रहा था, सतीश आनंद थे, बड़ी कला संगम, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। तो हमको जो है, 11वें सीन में या 13वें सीन में एक आदमी एक का रोल मिला जो क्राउड में है, और वो बोलता है, कहते हैं अगले जुमा से इबादत शुरू करो, अब किसे पड़ी है इबादत की। ये कुछ ऐसी पहली लाइन जीवन की ये थी। अब हम थे चूंकि उत्तर प्रदेश के, भाषा बिल्कुल करेक्ट रह गया, वरना उसमें तो कम से कम 500 लड़के छोड़ के गए होंगे, क्योंकि उनको उर्दू ही नहीं बोल पाते थे। अब वो तुगलक उर्दू में। और वहां जब पहुंचे तो हमने देखा कि इधर तो चार पांच लड़कियां भी हैं। हम कह करे यही बैठो बस। तो हाँ आप विश्वास कीजिए कि उन महिलाओं का कितना बड़ा हाथ है मुझे यहां तक बैठाने में। न वो होती ना हम टिकते। जबकि सच पूछा जाए तो बाद में तो स्थिति जो है कुछ ऐसी हो गई कि किसी को भी जाना हो तो विनीत के साथ ही जाएगा। विनीत जो है सबसे सेफ आदमी है और सबसे मजबूत आदमी है, साइकिल से या स्कूटर से रिक्शा के पीछे पीछे जाके घर पहुंचाएगा। उनके घर वालों को भी जो है, अब क्योंकि परिवार के बारे में लोग जानते थे तो घर में भी जो है सेफ्टी रहती थी कि हाँ भाई विनीत आया और ठीक है। तो हम धीरे धीरे, तो बाद में जगत भैया थे पूरे पटना के, जगत भैया। फिर उसके बाद एक साल बीता, 74 75 75 की बात होगी ये। उसके बाद एक साल बीता, एक साल बीतते बीतते जो है, एक आध नाटक में जो है ताली बज गई, तो ये सब धीरे धीरे जो सोच थी गायब होती गई। ताली बजी तो हमको लगा अच्छा ताली बज गई। फिर उसके बाद एक जगह कुछ और नाटक किए तो किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। अब ये जो है अलग अलग अट्रैक्शंस जो है हमको वहां पकड़े रहा। अचानक जो है वो, नहीं, 76 में फेस्टिवल किया था उन्होंने, 7 नाटकों का, सब फुल लेंथ नाटक थे। 78 में कला संगम ने जो फेस्टिवल किया उसमें दिल्ली से 2 नाटक आए। ये 78 की बात है। और वो 2 नाटक थे, बेगम का तकिया और संध्या छाया। ये ओरिजिनल कास्ट थी जिसमें रघु भाई से लेके एम के रैना से लेके मनोहर सिंह, सुरेखा सीकरी, ये सारे लोग थे वो जो ओरिजिनल रेपेट्री थी। और इन लोगों को जहां ठहराया गया था सचिदानंद सिन्हा के वो बंगले पे जो है, बड़ा सा जो होता है वो एमपी लोगों का, सरपेंटाइन रोड पे, तो एक तरफ एक्टर एक तरफ एक्ट्रेसेस, और हमको सबका ध्यान रखने, यानी क्या कोई काम है ये है वो है, वो हमको दिया गया। हम वहीं रहे और हमने सबको देखा, सब कुछ ना कुछ बुदबुदा रहा है, सब कुछ ना कुछ कर रहा है, सबका जीवन। राजेश बेग बाबा, बाबा बोले, अरे मेरा लाए नहीं तुम। हम बोले, बाबा क्या चाहिए? बोले, अरे तार लंगोट टांगने के लिए, उनका लंगोट टांगने का, उनको इसी में चिंता थी कि लंगोट कहाँ टांगेंगे हम। तो मैंने सबकी प्रकृति देखी दिन में, और रात में जब उनको देखा तो हमको लगा अबे दिन में तो ये नहीं था ऐसा। और तब मेरी गुत्थी खुली कि जो मैं करता हूं उसमें दिन में भी मैं वही होता हूं और रात में भी वही होता हूं, तो मैं कहीं गलत हूं। और यहां से शुरुआत हुई मूल रूप से अभिनय की खोज की। अब अभिनय पटना में कहाँ खोजे, कोई जन्मे नहीं करता है, नाटक सब कर रहा है, समझाए कौन? तो जहां जो मिल जाए उसी से समझने की कोशिश करने लगते थे। किसी ने कहा कि स्पीच स्पीच पढ़ो, हम 3 नाटक यानी लगभग रोज पढ़ जाते थे, आधे अधूरे, अंधा युग और तुगलक, 4 घंटे लगते थे रोज। रोज सुबह उठ के पहला काम यही होता था। लोग फिर हमसे स्पीच सीखने आने लगे। हम कहे क्या रे,
उस समय परवेज अख्तर, परवेज भाई जो हैं वो लेके जाते हुए कहीं वर्कशॉप करते थे तो ये वही हमको, परवेज भाई है जिनके साथ आपने महाभोज किया था। हाँ, तो वो हमको ले जाते थे कि देखो स्पीच का पैटर्न कैसे बदलता है, स्पीच नोटेशंस और फलाने। तो थिएटर में धीरे धीरे इस तरह से कला संगम से जो है वो होते हुए हम इकता पहुंचे। 70 उसी दौरान जो है जेपी मूवमेंट भी चल रहा था। मैं वही आने वाला था कि आपने थिएटर शुरू किया और पटना के थिएटर और देश के थिएटर पे कुछ और भी हो रहा था। हाँ, तो अब उसमें भी सम्मिलित हुए, उसमें सम्मिलित हुए तो बाबा से, बाबा नागार्जुन, रेणु जी और वो दिनकर साहब को तो कार्ड देने के लिए जाते थे। तो जो है वो एक दिन ऐसे ही पड़ा हुआ था रश्मि रथी, तो हम ऐसे देख रहे, बोले क्या है, हम बोले जरा सुना दीजिए ना। तो उन्होंने वो सर्ग सुनाया जो हम लोग सब लोगों के लिए बड़ा प्रिय है, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, प्रभु ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ जंजीर, हाँ हाँ क्या हुई जुड़ी, हाँ हाँ तो दुर्योधन, बांध बांध मुझे जंजीर बढ़ाकर कुछ है। हाँ तो जमाना सब हो गया, पढ़े हुए हमको बंबई ने तो बर्बाद कर दिया है ना। बंबई तो बौद्धिक रूप से बंबई का लेना ही देना नहीं है ना लोगों को। खैर, तो वहां से जो है सब लोगों से जब मुलाकातें हुई, इस लोग अनिल जी हैं, अनिल जी वहीं रहते हैं आजकल दिल्ली में ही, बहुत बड़े यानी उस समय आर्ट कॉलेज में थे, पेंटर यानी आर्टिस्ट थे, वो भी कला संगम में के मेंबर थे। तो एक दिन उन लोगों ने जो है वो कहीं एग्जीबिशन लगा दिया, कहाँ कॉफी हाउस के आसपास या कहाँ, अब वहीं पे जो है सब लोग पहुंच गए, धीरे 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 सारे लोग आ गए। और उसी में जो है फिर बाबा जो है अपनी कविता पढ़ दिए, रेणु जी अपनी कविता पढ़ दिए, तब चलता रहा। ऐसा नहीं है कि मेरे समझ में कुछ आ रहा है, हम हैं ये लोग हैं इसलिए हम हैं, ये मेरी समझदारी थी क्योंकि ये बड़े हैं। तो ऐसे ही एक दिन जो है हम स्कूटर से जो है, अपना तो थिएटर का काम चलता था, स्कूटर से जा रहे थे कॉफी हाउस के बाहर, कॉफी हाउस बंद था, कॉफी हाउस के बाहर जो है बाकी लोग इंतजार करते थे कब कॉफी हाउस खुले, तो वो सरकारी कॉफी हाउस, तो बाबा जो है वो दिख गए हमको पान की दुकान के पास। तो हमने स्कूटर जो है रोक के कहा, बाबा प्रणाम। बोले कहाँ जा रहा है, हम बोले जी बोलिए ना कहाँ जाना है। बोले चलो, वो तो उनका अपना खैनी ठूसे हुए बैठे पीछे, और बीच रास्ते में जो है उन्होंने किए तो हमको लगा रोकें थूकेंगे, हम किनारे करने लगे। तो और कहाँ रोक रहे हो, हम बोले थूक लीजिए। बोले थूकने की भी जगह होती है, ये गुत्थी खुली कि बेटा जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती है, विचार करोगे तो हर चीज की जगह है, वरना हर चीज जीवन का तुम्हारे बिला वजह निथरता जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो बहुत बाद में समझ में आई हैं। रेणु जी के साथ वो जुलूस नाटक इमरजेंसी में चल रहा था रिहर्सल, तो रिहर्सल के बाद वो जो है अपना कुछ, वो तो चुप रहते थे जनरली, तो कुछ बातें होती थी वो सब मेरे अब वो दिमाग में है नहीं, लेकिन वो इमरजेंसी के दौरान वो नाटक बैन कर दिया गया जुलूस। अच्छा, हाँ, तो जुलूस फिर बाद में 77 में किया गया, नहीं जब ये वहां गफूर सरकार ने या जगन्नाथ मिश्रा ने बैन किया था या क्या गफूर था, या सरकार, डीएम ही नहीं? गफूर साहब के बारे में जो है वो चलता था ऐसे ही खूब, क्या वो लबनी पान वाला, हाँ लबनी ताड़ी की सरकार कुछ, अरे क्या क्या सुबह से शाम तक जो है जुलूसे निकलता रहता था। वो हमने लगभग 5,000 वो मारे थे अकेले, सब सिपाही से लेके सब दे रहा है, लीजिए मारिए लीजिए मारिए। हम बोले अबे कुछ दूसरे पार्टी का भी मारना तो सब उगड़बड़ा जाएगा।
ये था, मतलब हम जेपी मूवमेंट की एक घटना हम बताएं कि 4 जून 1974 को वो सारे देश से लोग आने वाले थे, जेपी का आंदोलन होने वाला था, यानी जुलूस निकलने वाला था, 1,50,000 लोग आने वाले थे। बाकरगंज में हम रहते थे, तो बाकरगंज को दिया गया था कि कम से कम जो है 15,000 लोग या 20,000 लोग आएंगे। तो अब उसके लिए मेहनत करनी है कि भाई 15,000 लोगों का खाना, एटलीस्ट 2 दिन का खाना तो खाएंगे ही, एक दिन आएंगे, एक दिन जुलूस निकलेगा, उस दिन फिर चले जाएंगे। तो 2 दिन का खाना, 2 दिन खाना सब्जी बाग में, इधर उधर लोगों के घरों में, सब घर में कह दिए कि भाई रोटी दीजिए, दाल दीजिए, बना बना है, होटलों से दाल और ये वो। तो वो रात का समय था और हम लोग जो है वो पोस्ट ऑफिस में, जो उस समय तो हाँ लेके चलते थे ना कंधे पे सब पोस्ट कार्ड और लिफाफा, वो बड़ा सा थैला होता था जो पोस्टमैन जो है लेके चलता था कंधे पे, और एक एक करके लोगों के यहाँ डालता था। तो हम लोगों ने, वो मोहल्ले में एक रहते थे पोस्टमैन, हम लोगों ने उनसे जो है कहा कि निकलवाइए उधर से, रोटी उसी में साफ करके रखेंगे रोटी, नहीं तो कहाँ रखेंगे रोटी। तो हम लोग वो लेके अलग अलग, एक एक लोग अपना लेके जो है, तो हम एक अपनी गली के थोड़ा सा आगे कुंडी खटखटाए, वो पासी था, कुंडी खटखटाए, वो खा रहा था। खोला उसने तो देखा थाली रखा हुआ, उसकी बीवी बैठी हुई सामने और वो खा रहा है। हम जो है हम कहे अरे रोटी बोले थे देने को ना, और घुस गए घर में। वो काम बोले अबे रोटी कहाँ है मेरा, रोटी दो। बोले हम तो जुठार दिए। हम बोले अबे जुठार क्या दिए, और लाओ दो। और तो जो एक जो नहीं खाया था वो मैंने उठाया और अपने थैले में रख दिया जिसमें रखना था। वो रोने लगा। ये है आंदोलन, कैसे जुड़े हैं लोग। नारा लगाने से थोड़े आंदोलन होता है, जब शब्द समाप्त होते हैं तब आंदोलन की शुरुआत होती है, शब्दों से नहीं होता आंदोलन। अभी लोग शब्द बोल रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा, शब्द अपने अर्थ खो चुकेगा, तब क्रांति होगी, तब आंदोलन होगा। ये हमने सीखा है कि सन्नाटा रहता था, अचानक नारे की आवाज आती थी और सन्नाटा हो जाता। सीआरपीएफ दौड़ाती थी गली गली में मारने के लिए। सीआरपीएफ मिलिट्री जैसा लगता था, क्योंकि हम लोगों ने तो सीआरपीएफ देखा ही नहीं था पहले इसके। तो आंदोलन जो है अभी देश में किसी भी तरफ ऐसा नहीं दिख रहा है किसी भी कोने में कि देश में कोई आंदोलन खड़ा होने, क्योंकि सब लोग विचार कर रहे हैं। विचार करना बहुत आसान हो गया है, और विचार करके जो है वो अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहले अभी तो बोल देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि मशीनें आ गई हैं। सोशल मीडिया पे लिख दिए, मतलब ट्विटर पे लिख दिए, फेसबुक पे लिख दिए, हर आदमी फेसबुक पे आप देखिए तो विचार ही विचार चल रहा है। पहले क्या होता था, पहले जब हम कुछ सोचते थे तो लिखने के लिए कागज कलम नहीं होता था, तो वो दिमाग में उसका मंथन चलता रहता था। अगर वो बेकार होता था तो 2 घंटे में डिफ्यूज हो जाता था, और जितना आप सोचते थे संभवतः सब डिफ्यूज हो जाता था, क्योंकि वो विचार नहीं था, कोई उद्वेलन है जो दिमाग में आ गया। अब वही उद्वेलन जो है विचार बना के सामने रख देते हैं, तो व्यवहार में नहीं आता है। जब तक आपका विचार व्यवहार में नहीं आएगा तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी पे जो है बहुत पहले मैंने वो ऐसे ही एक बात लिखी थी कि विचार जो है वो दिमाग से पैदा होता है और दिमाग सर में होता है और सर जमीन पे नहीं उतरता है। जमीन का सीधा संबंध हाथ और पांव से है, इसलिए अपने विचार को हाथ और पांव दें,
वरना वो अर्ध सत्य की तरह भटकेगा। तो अभी हमारे देश में सिर्फ विचार अर्ध सत्य की तरह भटक रहा है और लोग भटका रहे हैं और लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। खैर, तो हम वो जेपी मूवमेंट से जो है फिर आगे बढ़े, फिर ऐसे नाटक समझने की कोशिश करना शुरू किए और धीरे धीरे वहां से निकल के फिर हम इप्टा में आए। वहां इप्टा में आने के पीछे एक रीजन ये था कि जब 77 में इलेक्शन जीत गए और उसके बाद जब हम वहां ऐसे तो मोहल्ला वही था, एक शहर वही था, तो पता चला कि अरे उधर ऊपर बहस हो रहा है, बड़ा भीड़ लगा हुआ, बहस हो रहा है कि कौन जो है प्रधानमंत्री बनेगा। बोले आए, बहस कौन कर रहा है? बोले अरे वो मोरारजी देसाई और जगजीवन राम के बीच चल रहा है, जेपी जी जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। हमको मतलब एक लड़का जो है इतने दिन से लगा हुआ है तो हमको जो है बड़ा अजीब सा लगा और एक जैसे डिसिल्यूजनमेंट होता है ना, वैसा कुछ हुआ कि यार ये क्या है, ये लड़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से सोच रहे थे, तो बड़ा ही अजीब सा महसूस करते रहे। तो किसी ने जो है किसी ने कहा कि अरे तो किताब है मार्क्स नाम है उनका, वो लिखे हैं, वो जरा तुम पढ़ो। और किताब पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आया, मोटा मोटी इतना समझ में आया कि ये आदमी ये कह रहा है कि आदमी को आदमी की तरह देखो। और ये बात मेरे दिमाग में धंस गई और 78 से मैं आदमी को आदमी की तरह देखने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो है इप्टा में गया और मैं अपने आप को कॉमरेड मानता हूं, लेकिन जिस पार्टी में लोग कॉमरेड हुआ करते हैं उस पार्टी का सख्त विरोधी हूं, क्योंकि मेरे अपने होता है कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, मतलब मैं तो वैसे जीने लगा और आप मेरा प्लेटफॉर्म छीन के चले गए। ग्रास रूट लेवल गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, आप क्या कर रहे थे? तो मैं आज भी कॉमरेड हूं, उतना ही करता हूं जितना जीवन में आवश्यक है, आवश्यकता अनुसार ही आप जिए, आवश्यकता से अधिक न जिए। बांधने के पहले आप सोच लें कि बांधने से इकोनॉमिक्स बदल जाती है, तो आपका यहाँ बांधना उचित है या नहीं उचित है इस पर विचार कर लीजिए। तो ऐसे जीवन जीते हैं। तो इप्टा में आने के बाद परवेज अख्तर, जावेद अख्तर, तनवीर अख्तर, वो सारा जो है अद्भुत समय था, वो बहुत कमाल का समय था और बहुत मजा लिया मैंने। सीनियर तो हो ही गए थे तो मेरे और जावेद के नाम पे स्थिति ये आई कि जहां जब शुरुआत हुआ था तो लोग आते नहीं थे नाटक देखने, और हम लोगों के यानी जावेद और विनीत के नाटकों में हाउसफुल होता था, लोग वापस लौटते थे और लोग कहते थे यार अब तो तेरे नाटक में ब्लैक किया जा सकता है। तो हमने वो दिन भी देखे। बाद में वो जब 14 साल हो गए थिएटर करते हुए तो दिमाग में ये आया, बातचीत हुई कि भाई हमने कहा कि इतना दिन प्रैक्टिकल किए हैं तो थोड़ा थ्योरी जो है वो समझ लेना चाहिए। तो थ्योरी समझने के लिए एनएसडी जाना था, तो जीबीएम की मीटिंग हुई, मुझे 3 साल के लिए जो है कहा गया इप्टा में से। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप विस्तार से बताएं, बहुत सारे दर्शकों को ये शायद समझ में ना आए कि इप्टा और जीबीएम, मतलब हम लोगों के लिए हाँ, ये एक सामान्य शब्द है, जेएनयू में हर चीज पे जीबीएम होती थी, स्कूल में, हाँ, सेंटर में, जनरल बॉडी मीटिंग। जी, तो इप्टा, दरअसल इप्टा तो सभी लोग अब जानते हैं देश में, इप्टा जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसपे की ये ठप्पा लगा है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का है, जबकि सच्चाई ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है इप्टा को कोई आर्थिक सहयोग देता नहीं है कि भाई वो सुचारू रूप से चलता रहे। वो सोच है, उनकी वामपंथी सोच है इप्टा की, तो वो उस तरह का नाटक करते हैं, नाटकों को लेके बड़ा ही क्रिटिकल रहते हैं, लॉजिक होता है, भावना जो है उसके पीछे भी वजहें होती हैं, सामाजिक कारण अगर उसका
सही नहीं है तो उसको अंडरलाइन करते हैं, तो इब्ता ऐसे नाटक किया करती थी और बहुत बड़े बड़े नाटक करती थी। कैफी साहब ने आगरा का जब 84 का कन्वेंशन हुआ था तो कैफी साहब ने कहा था कि अगर आपको ये समझना है कि इप्टा कैसे चलती है और इप्टा कैसी होना चाहिए तो पटना इप्टा में आके आप जाके सीखे, ये कैफी साहब ने कहा। तो इप्टा जो है वो वहां नाटक करने के लिए जो है हम लोग नहीं जाते, वहां हम लोग थिएटर करते थे कि मतलब हम लोग जो हैं नाटक 4 बजे से 10 बजे तक ही होता है, बाकी जो का लोग हैं वो शहर की क्या समस्या है, उसके घर की कोई समस्या हो गई है या कहीं देश में कुछ है या विदेश में कुछ हुआ है, तो सब तरफ कि भाई कम से कम 2 लाइन की बात जो है आप पेपर में कहें कि मेरी ये राय है, तो इप्टा की अपनी राय जाती थी। कहीं किसी के यहाँ शादी हो रही है वहां लोग नहीं है तो इफ्टा के लोग वहां मौजूद हैं कि भाई बारात आई है पत्तल उठाइए खिलाइए, चाहे उसके पीछे किस स्तर का लेना देना नहीं है, हम शहर के लिए हैं, शहर को कोई भी शहर की जरूरत होगी तो इफ्टा के लोग वहां हाजिर होंगे, रिहर्सल से उसका कोई लेना देना, क्योंकि रोज 35 लोग 40 लोग आते थे। आप ये रिहर्सल का और 4 से 10 वाला जिक्र कर रहे थे, मुझे वो रिचर्ड एटनबरो वाला किस्सा ध्यान आ गया। हाँ वो रिचर्ड बताइए, महाराज आप उनको मना करके चले गए, गजब आदमी है। नहीं नहीं मना क्या हम करें, हमको तो एक तो जो है ना वो योगी साहब थे, योगी मिस्टर योगी दूरदर्शन में और दिल्ली दूरदर्शन और हाँ। उनके दोस्त थे ये अपने शकील, अरे जिनके पिताजी बहुत बड़े शायर थे अजीमाबाद, वो शान भाई, शान भाई उर्दू के पेक्स थे पटना रेडियो में, उनका फोन आया, वो बोले कि अरे वो सिनेमा वाला है उसको तुम्हारी जरूरत है, हम बोले कि हम क्या करेंगे, बोले अरे मदद कर, अब जरूरत है तो नहीं, अब मदद बोलेंगे तो हम तुरंत तैयार हो जाएंगे कि अरे मदद कर दो उनकी, हम बोले अच्छा कर देंगे, पहुंच गए मौर्या में, हम बोले हाँ भाई योगी साहब कौन है, तो योगी साहब ने देखा, बोले अरे हमको जो है एक्टर्स फ्रंटलाइनर्स चाहिए, हम बोले ये क्या होता है, बोले नहीं मतलब एक्टर चाहिए क्योंकि हम पटना के सारे एक्टर्स को जानते थे, तो अब उनने जो है लिस्ट दे दिया, थमा दिया कि ये कॉम्प्लेक्शन है ये हाइट है ये पैसा है ये है फलाना है ढमकाना है, और लिस्ट लेके हम सबके हमको दिमाग में जो जो आया सबको जाके बोला है कि भैया जाओ वहां वो उनसे मिल लो और वो अगर तुमको होगा तो देख लेंगे ऐसा ऐसा है। दूसरे दिन जब हम पहुंचे तो बोले कि तुम्हारा कुछ खर्चा, हम बोले मेरा खर्चा क्या होगा भाई, गाड़ी आप दियो सबको बोल दिए हम और बस बात खत्म, बोले नहीं नहीं कुछ तो होगा, नीचे गए और ये 81 की बात होगी हमको लगता है, और हमको जो है कुछ 1500 रुपए दे दिए गए या 1200 रुपए दे दिए गए, अब रोज 1200 रुपए मिलते थे या 1500 रुपए मिलते थे, हम रोज मना करते थे, वो बोलते थे अरे लो ना यार पैसा भी कोई मना कर, हम बोले मैंने रखना खर्चा नहीं हुआ तो मैं पैसा कैसे ले लूं। खैर तो एक दिन जो है 7वां दिन जब बीता तो 7वें दिन जो है जब हम पहुंचे तो देखे कि 2-3 ठो एक ठो अंग्रेज बुढ़ा खड़ा हुआ है और लोग बड़े तमीज में सीरियस हैं, तो हमने पूछा योगी बोले ये कौन है, बोले यही तो है डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो, बोले अच्छा अच्छा बोले प्रणाम, प्रणाम क्या, और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है तुमको वो एक बहुत अच्छा रोल देंगे, अब वो अंग्रेजी में बोल रहे थे और मैं उनको हिंदी में जवाब दे रहा था, अब बोलता क्या है कि हमको अंग्रेजी समझ में आ गई, अब हमको उतना अंग्रेजी बोलने के लिए हमको अपना ग्रामर का रेन एंड मार्टिन खोलना पड़ेगा, फिर उनमें शैल छूटो समझना पड़ेगा और हिंदी में बाकी जो है वो तुमको बता देंगे लोग, इतना मेहनत नहीं करना है, तो उन्होंने जो है कहा कि तुम्हें बहुत अच्छा, बोले नहीं नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरा तो 4 बजे से रिहर्सल चलता है, सिनेमा का कोई शौक ही नहीं था और आज भी नहीं है, हम हार्डकोर थिएटर वाले आदमी हैं,
झोला छाप, खद्दर का कुर्ता, जीन्स, चप्पल, और वो सर्वोदयी झोला, साइकिल पे चले जा रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं। ये आज भी जो है हमको लगता है कि सबसे रोमांटिक चीज है, लेकिन अब तो सब समय बदल चुका है। तो ऐसे जो है मैंने रिचर्ड एटनबरो को जो है बिल्कुल मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं, भाई बना रहे हो सिनेमा, हमको कभी सिनेमा का कोई वो रहा ही नहीं। हमको कितना वो पहली फिल्म बनी थी वो कल हमारा है, गिरीश रंजन जी ने बनाई थी, तो हरिशरण जी जो है, हरिदा जो है, वो बोले अरे चलो तुम भी एक रोल कर लो। हम बोले नहीं, हमको कुछ नहीं करना, हमको रोल नहीं करना, वो नहीं करना है सिनेमा। तो सिनेमा में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर दूसरे दिन मेरे एक दोस्त ने कहा चल शूटिंग देखते। तो शूटिंग देखने के लिए हम लोग गए। शूटिंग जब देखने गए तो हमने देखा सब जीन्स वीन्स पहने स्टाइल में ये वो, तो हम कह अरे ये सब क्या सिनेमा बनाएंगे। फिर मैंने देखा उधर लकड़ी का एक ढांचा खड़ा हुआ है, तो हमने कहा अबे इसको ऐसा दिखाई देता है बिहार का झोपड़ा, अबे तो लकड़ी का बना दिया है, ये सब क्या बनाएगा। और तब तक हमको वो दिख गए बेन किंग्सले जीन्स में एकदम टनाटन। हम बोले देखिए ये गांधी है, हम लोग मजाक मखौल उड़ा रहे हैं सही करके। फिर उसके बाद हुआ नाश्ता, नाश्ता दो ठो बस आई थी, वो दो बस जो है, एक बस जो है 1 घंटे में 5,000 पैकेट निकालती थी बस नाश्ते के। नाश्ते के। तो लोगों को मना किया गया था क्योंकि उसमें जो है अब वहां मुसलमान लोग भी होंगे तो उसमें हैम होता था, तो हैम वो वर्जित है उनके लिए, तो सबके लिए नहीं था। तो गए हम लोग अपना खाए वाए, और उसके बाद खाने वाने के बाद जो है इधर उधर टहलते हुए अपना थोड़ा झोपड़े की तरफ पहुंचे। हम कहा अबे झोपड़ा कहाँ गया, दे तो झोपड़ा बना दिया, अरे इसको तो झोपड़ा तब्दील, अरे बिल्कुल मेरे लिए ऐसा लगा जैसे कि तो कमाल हो गया। और उसके बाद वहां से लौटे तो देखे कि अरे तो गांधी जी हैं, सब तब्दील, सन्नाटा, इतने लोगों के बीच गांधी जी आ चुके हैं। अब वो गांधी जी बैठ गए हैं वो लोकेशन पे, वो वाला सीन था जहां गांधी जी, नाना पलसीकर और 3 बच्चे हैं और वो नील की खेती और वो वाला दृश्य था, तो नीचे वो बैठे हुए थे, उसमें थे परवेज अख्तर और अरविंद रंजन दास उस सीन में, और वो एक लड़की थी वो इप्टा, वो कला संगम में थी पहले, बाद में इप्टा में थी वो लड़की थी, तो वो उनके 2 बेटे 1 बेटी। तो हम जो है वो जो कुर्सी पे लोग बैठे हुए थे, हम दूर पेड़ के पीछे खड़े होके अब एक्टर आदमी देखने लगे उनको ऐसे करके, बेन किंग्सले को। मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट बीता होगा, एक लड़का मेरे पास आया पीछे और उसने कहा कि आप यहां से हट जाइए। हम बोले क्यों, क्या हुआ, हम तो कहीं नहीं, हम तो इतना दूर खड़े हैं। बोले देखिए उनका कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, क्योंकि हम बेन किंग्सले को देख रहे थे और उस आदमी का कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगा। हमको लगा यार ये तो अद्भुत चीज हम सुन रहे हैं। वो जो कहते ना आजकल जब लोग कि भाई आई लाइन से हटो जरा, तो ऐसे करके धीरे धीरे चीजें समझ ही गई, देखी मैंने। आ, आ, बहुत अनुभव, मतलब ये सब तो था ही, क्रिमिनलों से भी दोस्ती थी, वो भी बड़े मित्र थे, बंदूकबाजी से लेके चक्कूबाजी से लेके, किया कभी नहीं, देखा सा, वो उधर कट गए, उधर मर गए, उधर हिल गए, उधर टल गए, उसमें बड़ा मजा, आज भी जो है सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। अच्छा तो वो हमको याद है कि एक बार हम पटना गए तो क्या हालत रहा होगा सोचिए पटने का, कि ठाकुर जी थे भैया के, वो बहुत बाद में हवलदार हो गए थे, तो अखिलेश के यहाँ जो है हम जा रहे थे। अखिलेश जो है वो उसी के यहाँ वो भी रहता था, वो जयप्रकाश यादव, तो अखिलेश के यहाँ जा रहे थे, तो चांदमारी रोड में रहता था, तो अपना चिरियन टाउन था, ऐसे गली से होते हुए जाने लगे तो ठाकुर जी जो है वो पीछे पीछे चल रहे थे बगल में, बोले यही खोपड़िया मिला था।
बोले यहाँ, बोले हाँ, फिर थोड़ी देर आगे और यहाँ बॉडी था, बोले अच्छा इतना नॉर्मल कि यहाँ खोपड़ी मिला, यहाँ बॉडी मिला, यहाँ खून था, यहाँ बम मार दिया, यहाँ चिथड़ा उड़ गया। ये एक बहुत नॉर्मल कोर्स में बिहार के जीवन में ये चीजें रही हैं। इसकी वजह से हम बिहार को नहीं मानते हैं कि बिहार गलत है, खराब है। मेरा मानना यह है कि बिहार में इतनी एनर्जी है कि अगर उसको चैनलाइज नहीं करोगे तो वो एनर्जी विस्फोट करेगा। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लोग हैं बिहार में, इसीलिए वो जो है हमेशा खुराफात करते रहते हैं। उनकी एनर्जी कहाँ जाएगा भाई, आप उसको इस्तेमाल करो। वही देखिए बाहर जब बिहारी जाते हैं तो कैसा इस्तेमाल होता है, देखिए धका धक काम करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो बिहार की उस समय वो अवस्था भी थी, और इसी अवस्था की वजह से हमें बंबई आना पड़ा, क्योंकि दिल्ली जाने का मन नहीं किया। बिहार में सारी चीजें जो हैं वो एक खास तरीके से जो है सब चीजें बदल गई थी, सारी चीजें बदल गई थी, सब चीज एक ही ट्रैक पे चल रहा था, जैसे अभी सब चीज एक ट्रैक पे चल रहा है, तो उस समय भी सब चीज एक ही ट्रैक पे चल रहा था। तो मेरे दिल्ली में थे 3 साल, हमको बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो हम चले आए इधर दिल्ली बंबई। में क्यों नहीं लगा? मतलब एनएसडी आप भेजे गए, 3 साल की आपको छूट दी गई, फिर इप्टा वालों ने कहा नहीं है वापस आ जाओ, कुछ छोड़ दिया था इप्टा इप्टा तो। देखिए उस विषय पे हम चर्चा करना नहीं चाहते, क्यों? कोई संस्था ही नहीं थी। मोह भंग की कहानियां भी तो सुनाई जाएंगी ना दादा। हाँ तो मतलब मोह भंग थोड़े था वो, इप्टा इप्टा ही नहीं रही वो। आप देखेंगे कि 90 के बाद इप्टा का जो विघटन हुआ है तो वो तो जग जाहिर है। तो मेरे पास इतनी ताकत शायद नहीं थी कि मैं वहां कहता कि मैं तो अपने आप को हमेशा वर्कर मानता रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकती थी, वरना कितने लोगों ने बुलाया। हमने कहा नहीं भाई मैं थिएटर का वर्कर हूं। तो जहां मैं वर्कर था वो स्थान ही जो है बिल्कुल ऐसा कहें कि एक किसान का खेत छीन लिया गया। किस साल पहुंचे थे उस आप एनएसडी? 86 ये तो इरफान टिशू के आसपास वाले बैच है सारे। इरफान थर्ड ईयर में था, बीच में वो जीरो सेशन था और उसके बाद फर्स्ट ईयर में हम लोग थे। तो जब हम लोग सेकंड ईयर में गए तो इरफान जो है वो पास आउट हो गया था, अच्छा, तो हम लोग 1 साल रहे। तो कैसा था एनएसडी और में अनुभव? क्योंकि आप तो बहुत थिएटर करके गए थे, मतलब मेरे ख्याल सबसे उम्र दराज रहे होंगे। हाँ सब बच्चे थे, टीचर भी बच्चे ही दिखते थे, अच्छा इतना इतना प्रैक्टिकल। एक ही टीचर, अरे बाबा सीनियर लोग तो बहुत थे लेकिन हम लोगों के पल्ले जो है वो सीनियर लोग नहीं पढ़ते थे ना, जो पढ़ते थे वो लगता था कि अब जैसे मॉडर्न इंडियन ड्रामा जो है वो पढ़ाती थी अपना कीर्ति जी, कीर्ति जैन, कीर्ति जैन। और हमने सारी किताबें पढ़ रखी थी नेमी जी की, अब राधा जी पढ़वाती थी वर्ल्ड ड्रामा। अनुराधा कपूर। हाँ और मुझे जो है ऐसा लगता था जैसे कि एक चीज पढ़ाने के बाद सारे लोगों से जो है वो चीजें पूछी गई, हाँ भाई फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और 20-16 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता दिए। मुझे मूल रूप से टीचर का, अपने टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तब तो मुझे समझ में आएगा हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू को टैली कर पाएंगे कि हम कहाँ डिफर कर रहे हैं, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, किस बिंदु पे किस मोड़ पे आकर ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ, तब तो समझेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मुझे लगा नहीं
यहां पढ़ने की पद्धति बदल दोगे नहीं। तो मैंने पढ़ने की पद्धति बदली। वो क्या बदली कि मैं मान के ही गया था कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो जीरो पे होते हो, अगर जीरो पे नहीं अपने आप को लाओगे तो आप वहां कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आप ये समझते रहोगे कि तुम कुछ जानते हो तो हमेशा जो है कंपेयर करते रहोगे उनसे और मतभेद होता रहेगा। तो मैंने जो पद्धति बदली, पद्धति ये बदली कि इस टीचर से मुझे ये मिल रहा है ले लो, इस टीचर से ये मिल रहा है ले लो, और मुझे फिर बहुत कुछ मिल गया। सबसे ज्यादा रॉबिन दास से मिल गया। हाँ, मैं पूछने वाला था, उनसे तो आपकी बड़ी दोस्ती हुई। अरे बहुत बहुत, वो तो जो है एनएसजी की भी अपनी कहानियां हैं ढेर सारी। मतलब कहानियों में तो जो है क्या है कि छलांग लगा लगा के बढ़ते गए हैं, क्योंकि आसान नहीं है। हम उपन्यास हो गए हैं कई खंड के। पर मुक्त कंठ से कुछ तो जवानी के उन सब छलछंदों के जिक्र हो ना भाई। देखिए कि जवानी में जो है कुल मिला के मैंने अपनी समस्या ये बताई कि मैंने जवान अपने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया। कभी प्रेम ही नहीं किया। 50% वाला प्रेम होता रहा कि हमको प्रेम है उसको मालूम ही नहीं है। वैसे विनीत इतना बोलते थे, इस मामले में चुप्पा मार जाते थे। भाई चुप्पा क्या मारे, हमको थिएटर करने से फुर्सत नहीं है। हमको मालूम है वो फुल टाइम जॉब है, बाकी लोगों को देख रहे हैं। अब फुल टाइम जॉब में हम नहीं दे सकते ना, हमको रिहर्सल करना है, हमको अपना काम करना है। हमको प्रेम करने का टाइम जब मिलेगा तो किया जाएगा, वो टाइम नहीं मिला। क्योंकि प्रेम जो है वो मेरी मान्यता है कि प्रेम जो है वासना के लिए नहीं होता है, प्रेम जो है प्रेम करने के लिए होता है। और प्रेम की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, उसे पूरा करोगे या जिसे प्रेम कर रहे हो थिएटर से उसकी अपेक्षा पूरी करोगे। तो हमको थिएटर ज्यादा प्यारा लगता था और हम आनंद लेते थे। इसीलिए आज की तारीख में यानी हमको याद है कि एक तिशु का सीरियल था, उसमें तिशु ने एक रोल दिया वो हम बंबई नहीं जाएंगे। हाँ, तो उसमें जो है मेरी पत्नी का रोल जो कर रही थी, तो वो सीन चल रहा था, तो तिशु उधर से बोला अबे बीवी है तेरी, बहन नहीं है। बोले यार बीवी की तरह ही तो बोल रहे हैं इससे, बोले लग रहा है तू अपनी बहन से बोल रहा है। अब आज भी स्थिति यह है कि प्रेम करने का अगर कोई ऐसा दृश्य हो तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। बंदूक दे दीजिए, चाकू दे दीजिए, किसी को हड़काने को दे दीजिए, दौड़ाने को दे दीजिए, इमोशनल होने को दे दीजिए, सब हो जाएंगे, प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम में हम मात खा जाते हैं। हमको याद है कि हम अक्स कर रहे थे, अक्स में वो सीन था जहां केके भाई जो है, केके रैना जो है, वो आते हैं और ये कहता है कि कुत्ता आएगा पत्ता लाएगा, कुत्ता आएगा पत्ता लाएगा, तब तक वो मनोज बाजपेयी आ जाते हैं, वो चाकू वाला सीन। तो उसका जो बिगिनिंग था, जो टेक ऑफ था, वो था कि वो डांस बार है तो ऐसे गोल सा ऐसे बना हुआ है और पोल बना हुआ है और डांसर्स के लिए जो है वो सारी मॉडल्स आई हुई थी, बड़ी फिल्म थी, मॉडल्स आई थी, हम ऊंचे से ऐसे कुर्सी बैठे हुए थे और सब छोटा छोटा अपना पहने हुए हैं कपड़ा, एक इधर बैठा दिया ऐसे टांग करके, एक इधर बैठा दिया एक पीछे। हमको लगा कि ऐसे देखे राकेश जी को, हम बोले राकेश जी क्या करना है, बोले बस आप यहाँ के मैनेजर है, आप सब मस्ती आपकी है, मस्ती चल रहा है, यही मस्ती चल रहा है, तो जो है मतलब उसके बीच में आता है तो खलल पड़ जाता है आपको, तो आप जो है उसको ऐसे ही पत्ता फेंक देते हैं, कहते हैं कुत्ता जाएगा पत्ता लाएगा। हम कहे वो तो मैं कर लूंगा, इसका क्या करूं। तो मैंने लड़कियों को जो है कहा कि भाई आप कुछ मदद करो, आप ही लोग कुछ करो और आप बात समझो। हम छू नहीं सकते, हमको बड़ा, हमको समझे भी नहीं था कैसे छुए, क्या करें, कहां कैसे क्या होगा।
तो खैर उन लोगों ने मदद की। वैसे ही एक बार जो है, हम ऐसे तो कितनी बार हुआ है कि कच्चे मुझे वो धागे में, किट्टू किट्टू किडवानी वाला किस्सा याद आ गया। हाँ किट्टू गिडवानी जो है, अब वो बेड सीन, हम कहीं बेड सीन क्या होता है, ये तो द्रोह काल बेड, का हाँ द्रो काल का था, था। तो बेड सीन मतलब बेड सीन है, पति पत्नी जो है वो सेक्स कर रहे हैं। तो हम बोले अरे तो कैसे का होगा, तो गोविंद जी हंसे बोले अरे तुम काहे चिंता कर रहे हो। और उसके बाद जो है वो कुछ बहुत शॉर्ट सा जो है लुंगी अपना जो है लपेट के, वो और किट्टू जो है नीचे है, हम ऊपर है। अब हम जो हैं दोनों केहुनी से अलग ऊपर उठे हुए हैं उसके पैरेलल। अब किट्टू को लग रहा है अरे मूर्ख आदमी, उसने यूं ऐसे मारा, हम थप्प से उसके ऊपर गिरे। उसने कहा कि देखो जो हम कर रहे हैं वो तुम करते जाना, वरना सीन नहीं हो पाएगा। ये तुमको क्या, नहीं तुम कहाँ, अब दोस्त हो गई थी। हम बोले अब थोड़ा सा आप कृपा कर दीजिएगा तो मेरा भी अच्छा सीन हो जाएगा। खैर वो पूरा सेक्शन फिल्म में नहीं है, लेकिन मदद किया लोगों ने, सिर्फ इसलिए मदद किया, इसलिए आगे बढ़ के मदद किया क्योंकि उनको लगा कि ये लड़का बहुत मूलतः शरीफ किस्म का है, दिखता है गुस्से वाला लगता है, अक्खड़ लगता है, ऐसे बोलता है लेकिन अंदर से शरीफ आदमी है, तो आगे बढ़ के लोगों ने मदद किया। वैसे ही कन्नड़ फिल्म में हम ऐसे लेटे हुए हैं, मिले ना लेटे हुए हैं ऐसे जो है, एक लड़की इधर खड़ी है एक इधर खड़ी है, और सबको जो है टू पीस जैसा पहनाए हुए हैं, एक इधर खड़ी एक इधर खड़ी, अंगूर ऐसे की, हम क्या ये आप करेंगे। विक्रमार गुडू की बात कर रहे हैं किसकी? नहीं, ये कन्नड़ फिल्म थी, विक्रमार गुरु तो तेलुगु फिल्म थी। तेलुगु फिल्म थी। हाँ हाँ विक्रमार गुरु तो जो है नरेंद्र झा वो कर रहा था, वो उनकी फिल्म विक्रमार गुरु के ठीक पहले एक फिल्म आई थी, वो भी सुपर डुपर हिट थी, उसका नाम हम भूल रहे हैं। तो नरेंद्र झा आया घर और उसने कहा कि भाई साहब जो डायरेक्टर हैं राजमौली, उन्होंने कहा है कि अगली फिल्म में विनीत होगा। हम हंस दिए, हम बोले यार ऐसे कैसे, जब होगा तो देखा जाएगा। फिर दो है ये फिल्म इसकी खत्म हुई, रिलीज हुई, उसके बाद एक दिन जो है वहां से फोन आया। हम ऑलरेडी कर तो रहे थे तेलुगु फिल्म, तीन फिल्म कर चुके थे, ये 2005 की बात है। फोन आया और हुआ क्या कि आप हैदराबाद आ सकते हैं। हम बोले आ जाएंगे, एयर टिकट आ गया, हैदराबाद पहुंच गए सीधे, वो गाड़ी से जो है ऑफिस में आए, ऑफिस में जो है उनसे मुलाकात हुई, बात हुई और फाइनल हो गया कि मैं बाबूजी का रोल कर रहा हूं। और उसके बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो मैंने देखा कि वो डायरेक्टर जो है उसका एक विजन है, वो सीन नहीं शूट करता है, वो विजन शूट करता है कि ये सीन कैसा होगा दिखने में। खाली इसीलिए कैमरा लग गया और ये डायलॉग बोलते हुए यहां चले जाओ, ऐसा कत्ता ही नहीं है, जबकि कर वही रहे हैं। तो उसके दिमाग में एक विजन होता है उस सीन का, और वो जो है उस विजन से उसका सोल पकड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए सारे क्लीशे सीन जो हैं उसके अपील करते हैं। सीन्स क्लीशे हैं जो कि हर फिल्म में आपको देखने में मिलेगा। आप जैसे ये क्लीशे सीन बता रहे थे, एक रामगोपाल वर्मा के साथ आपकी बड़ी दिलचस्प बातचीत का जिक्र होता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखो गोविंद निरानी के से दौड़ हाँ वो बैठे हुए थे हम लोग जोधपुर में या कहीं शूटिंग दौड़ की, तो उस समय वो नया नया था, सबके तो पंख निकलते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा आदमी वो हम ही को दिखाई देता, हम ही को दिखता था, वो बड़ा संजय दत्त आता था तो संजय दत्त से टपक लेता था। तो हम और वो बैठे हुए थे तो हमने उससे जो है ऐसे ही कुछ पूछा कि आप रात जो उसने पहली फिल्म बनाई थी ना जिसमें राजजोत्सी था, अरे जिसमें चिरंजीवी थे, शिवा चेन है, शिवा 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 तो नहीं, पूछा शिवा शिव, शिव शिव वाला शिवा। हाँ शिवा,
तो कुछ हमने ऐसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि देखो दो तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक डायरेक्टर होता है गोविंद निहलानी की तरह, जिसकी स्पॉट बॉय से भी पूछोगे ना तो बता देगा कौन सा सीन चल रहा है, और एक होता है मेरे जैसा डायरेक्टर, जिसमें सिर्फ डायरेक्टर को मालूम है कि उसके दिमाग में क्या है और उसे क्या लेना है, इसलिए वो जो सामने दीवार दिख रहा है हम कहेंगे जाकर वहां बैठ जाओ, सवाल मत करो, मुझे मालूम है ये कहां लगेगा और इसका क्या इंपैक्ट होगा, मैं कहूंगा वहां बैठ जाओ, बाई तरफ देख लो और उसके बाद जो है सीधे देख के नीचे उतर जाओ, बस मेरा काम खत्म हो गया। अब उसमें तुम अगर सवाल करने लगोगे तो उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कहां लगेगा। तो मूल रूप से दो तरह से ही फिल्म बन सकती है, लेकिन इतना ऐसा डायरेक्टर जो है था तो वो ऐसा डायरेक्टर। अच्छा दादा, जैसे जैसे आपने रामू का जिक्र किया, मिड 90s में सत्या और इन सब फिल्मों के जरिए उनका उभार होता है, और अब हम रामू को देखते हैं कि कुछ सेंसेशनल ट्वीट्स हैं, कुछ बड़ी अजबकी सी फिल्में हैं, ऐसे दिमाग पे क्या बीतता है, यार मैंने इस आदमी का उभार देखा, इस आदमी के एडीज को बड़ा डायरेक्टर बनते देखा, कोई कुछ कुछ वैसा दार्शनिक सा आता है कि यही जीवन है या क्या, कुछ तो आता होगा ना मन में, इतना कुछ नहीं, दौर जीत लिया। वहां तो जो है बस एक ही चीज है कि पहले से हम लोगों को तो पहले से दिख जाता है कि वो, मेरा मानना है कि आप जब जीवन जीना शुरू करते हैं कहीं भी, यहां वहां कोई भी प्रोफेशन आपका हो सकता है, तो आप जो बीज अपने लिए गाड़ते हैं तो वो दो बीज होता है, ओके एक सफलता का और एक असफलता का, और आप जब पानी उसमें डालते हैं तो आपको यह पता ही नहीं रहता है कि आप सफलता के नहीं असफलता के बीच में पानी डाल रहे हैं, तो असफलता का पेड़ फल जाता है और आप असफल हो जाते हो, क्योंकि जब सफलता की के बीच में आप पानी डालोगे तो आप हमेशा सहृदय रहोगे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार होगा। हम आपके व्यक्तिगत उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप अक्खड़ हो, लोग उसको स्वीकार करेंगे क्योंकि लोग जानेंगे कि नहीं भाई याद है वो अच्छा है, लेकिन अचानक कल को आपके तेवर बदल जाएं तब तो मुझे लगेगा कि ओहो अब ये लगता है अपने असफलता के बीच में पानी डालने लगे हैं क्या, तो इनके दिन नजदीक आ रहे हैं, तो दिन नजदीक आते हैं आपके, आपको दिखाई देता होगा, आप इतने लोगों से मिलते हैं, आपको ये पता चल जाता होगा कि इसके दिन नजदीक हैं, आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आप सबसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं, और आप ये बोल नहीं पाते हैं कि तुम अपनी जड़ काट रहे हो। जैसे ये बात जो है हम अक्सर ये बोलते हैं कि भाई अभिनय जो है वो किया नहीं जाता है, अभिनय होता है, करते जो है, तो अब इसीलिए थिएटर में हम लोग रिहर्सल करते हैं कि जब मंच पे आते हैं तो वो होता है, इसीलिए जब सिनेमा की बात करते हैं तो हम अभिनय ना करके वो करें जो डायरेक्टर को चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर फिल्म देख रहा है, फिल्म उसकी नजर में है, और वो एडिटर के साथ मिलके वो उसका अभिनय बनाएगा, उसका ग्राफ बनाएगा, केमिकल रिएक्शन होगा, कथार्सिस होगा, मंच पे हम पैदा करते हैं, सिनेमा में हम पैदा नहीं करते हैं, सिनेमा में डायरेक्टर और एडिटर मिलकर पैदा करता है, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसका कितना हिस्सा कट चुका है ये एक्टर को क्या मालूम, एक्टर को जो तालियां मिल रही हैं वो एडिटर मुस्कुरा के और डायरेक्टर मुस्कुरा के देखता होगा, कहता होगा भैया 40 40 फ्रेम हाँ तो
मूल रूप से तकनीकी माध्यम है। अगर हम तकनीक नहीं समझेंगे तो हम अभिनय को तब तक ही कर पाएंगे जब तक मेरे दिन चल रहे हैं। दिन खत्म, अभिनय खत्म। देखिए अभी आप जैसे दादा जिक्र कर रहे थे थिएटर का और उसका, और आपने बताया कि मेरे तो दिमाग में थिएटर था, सिनेमा को लेकर कुछ था नहीं, पर बाद में ऐसे पलट के देखते होंगे तो कुछ ऐसे ध्यान तो आता होगा। पहला सिनेमा कौन सा देखा था आपने? संगम 64। संगम, दो इंटरवल थे उसमें, दो इंटरवल थे। हमको बस खाली इतना याद है कि उसमें जो हारमोनियम था वो बहुत बड़ा था, उसको दोनों हाथ से बजाते थे। हम तो हारमोनियम ही जानते थे ना, बड़ा हारमोनियम था और ऐसे से बजता था, एक लड़की अच्छा। खड़ी होती थी ऐसे। तो हम सिनेमा क्यों नहीं देखे? सिनेमा इसलिए नहीं देखे क्योंकि एक तो हम पांच लोग, माता पिता, बीच में बहन, एक तरफ भाई बड़ा, एक तरफ छोटा, अब चल रहे हैं, आपने इधर देख लिया, पीछे से ऊपर से आवाज आएगी, क्या देख रहे हो? अभी तो मन ही नहीं करता था क्या देख रहे हो, मतलब और सिनेमा देख के आओ तो क्या सीखे, क्या समझे, और ऊपर से लेक्चर, तो लगा नहीं ना 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 ना, सिनेमा देखना ही नहीं है, बकवास, ये सब नहीं सुनना। तो सिनेमा देखने की आदत पड़ी नहीं। अच्छा, तो जैसे हम लोग बीच में फिल्मों का जिक्र आ गया था, पर असल में हमारी कहानी एनएसडी तक पहुंची थी। कितना जैसे इप्टा और वो सब पटना में आप थिएटर कर रहे हैं, आप कुछ सोच के आए एनएसडी के बारे में, एनएसडी कुछ और है, क्लासमेट्स कुछ और है, वो पूरा फेज कैसा था, वो जो फ्रिक्शन शुरू होता है, बिल्कुल नई दुनिया है जिसके आप अभ्यस्त नहीं है। पहले ही 7 दिन में जो है वो हो गया, हमने कहा कि अब हम तो जो है हर चीज जोड़ने वाले लोग रहे हैं ना, कि भैया लकड़ी ले आना है, ये ले आना है, सुबह से निकल के भीख मांगना है, 9 बजे निकल जाते थे भीख मांगने सरकारी दफ्तरों में, तब तो पैसा इकट्ठा होता था, चंदा लेने निकलते थे। यहां जब एनएसडी पहुंचे तो मैंने देखा कि टीचर कह रहे हैं कि भाई सब इस्तेमाल करो, हॉल है, कारपेंटरी से जो है कुछ अगर लेना हो वो ले लो, लाइटिंग ले लो, और सीन सीन कर करके दिखाओ। मेरे अंदर लगा कि यार ये तो स्वर्ग है, लेकिन वहां तो जो है मतलब हनीमून है। हनीमून है, सब व्यस्त है, थिएटर से किसी को लेना देना नहीं है। तो मूल समस्या है एनएसडी की। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप थोड़ा सा कोई कह सकता है कि हार्श हो रहे हैं कि भाई ठीक है कोई चंदा मांग के और इप्टा वाले संघर्ष करके नहीं आया, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो एनएसडी में थिएटर नहीं कर रहा, हो सकता है उसके भीतर भी वैसी आग हो। भाई तो हमको तो दिखाई देना चाहिए था ना आग। हम मूर्ख अचानक नहीं हो जाएंगे ना एनएसडी जाके, और ना भावुक हो जाएंगे। अब जैसे लिया तिग्मांशु धूलिया वहां पहुंच तो गए, लेकिन वो दिमागी रूप से इतने सक्षम थे कि उन्हें मालूम था कि उन्हें क्या चाहिए। लाइब्रेरी खंगार गया। अच्छा, जहां उसको लगता था कि इस आदमी से हमें कुछ लेना है वहीं जाता था। इरफान, इन दोनों का एकदम चोच लड़ा हुआ, एकदम ऐसे 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 बैठ के दोनों किताब पढ़ रहे होते थे। हाँ, तो हमको कभी उनसे आपत्ति नहीं हुई। कई बार हम बोल देते थे तो हमको गरिया देते थे, हम बोलते थे अरे कभी क्लास जानना व्या ना, तू क्लास करना। उनको मालूम था कि उन्हें क्या चाहिए। तो ये समझदारी भी तो सबकी हो जाती तो समझ में आता ना कि चलिए भाई नहीं कर रहे हो तुम, तुमको मालूम है तुमको जीवन में क्या करना है। लेकिन वहां लोगों को मालूम ही नहीं, एडमिशन हो गया। एक किस्म के रोमांटिसिज्म में घिरे रहते थे, बड़ा भाव विहोल हो गए, अब एनएसडी आ गए। हाँ, और बस उसके बाद जो है पहले साल भावुक रहेंगे, 6 महीना तक भावुक रहेंगे,
6 महीना अगले सेमेस्टर में जो है वो भावुकता धीरे 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 जो है अपने पीक पे जाती है, सेकेंड ईयर में वो भावुकता नष्ट होने लगती है, थर्ड ईयर में दुश्मनी होती है और फोर्थ ईयर में गा लेते हैं ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा जाते जाते हैं। फोर्थ ईयर तो है ही नहीं ना, मतलब भाई निकलने वाला ही है जब निकल गए। नहीं, निकलते वक्त सिट्टी पिट्टी गुम रहती है क्योंकि कहां मिलेगा ये चौहद्दी जिसमें कि 3 साल आप राजा की तरह रहे सुकून आश्वस्त, और अब जो है बाहर निकले हो तो छत ही नहीं है। तो बहुत बिगड़ काम है, ऐसा नहीं, हम इन जनरल बता रहे हैं। फिर भी जैसे अब मेरे उसमें ये था अपना किशोरजीत मणिपुर का, मणिपुर के काम की हम भी बिहार जाकर काम करना चाहते थे, संभव नहीं हुआ, नियति में नहीं था, तो नहीं हुआ क्योंकि संस्था खत्म हो गई। हम बता तो रहे हैं कि सब जो उस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो वो जो है बिल्कुल बदल चुका था। मंडल मंदिर मार्केट एक नजर से सब देख रहे थे और वो 80-90 का पीरियड था। और इसीलिए जो है आप कुछ कह रहे थे, इसीलिए इसीलिए जो है वो जबकि वो ये बार बार जब हम कहते हैं तो अभी बड़ी चर्चा चली, वो उसका जंगल राज गुंडा राज की बात हुई इलेक्शन में, इलेक्शन में जो है अभी बहुत जी जी चर्चा हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को, क्योंकि कुछ हासिल होने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तो बिहार ने ये बहुत बड़ी चीज है कि हासिल क्या किया बिहार ने। बिहार ने हासिल किया कि जो 15% राज करता था उस 65% पे, उस पूरे क्योस ने 65% को एक करके एक ताकत बना दिया, ये इतिहास में लिखा जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ लोगों को समस्या हुई, उनके जीवन में उठा पटक, कुछ लोगों को समस्या भी हुई और फिर वो 65% में भी कुछ लोगों पे केंद्रित हो गया, वो 65% भी इसीलिए छटके। हाँ, लेकिन ये ताकत समझ में आई 15 में, दिखा कि भैया ये ताकत है। कई बार होता है ना कि ताकत समझ में आती है और उसके बाद वो डिफ्यूज सा हो जाता है, फिर बाद में निकल के फिर वही ताकत आती है। दिखने दिखाया गया, दिखा, तो इसीलिए जो है वो हम रुख किए। मित्र हैं मेरे, दो मित्र वहां, अजय वर्मा और शेखर कुछगावे, दोनों कला संगम से ही जो है मेरे मित्र रहे हैं। तो अजय ने कहा आओ देख लो इधर, बस बक्सा बांधे उठ के चले गए, देखने गए और आज भी देख रहे हैं। इसीलिए मुझे ज्यादा चीजें समझ में आई हैं। अगर मैं हीरो बनने गया होता या विलेन बनने गया होता या फिल्मों में काम करने गया होता तो ये चीजें नहीं समझ में आती। अच्छा, आप देखने जब गए थे तो आपके एक रूममेट थे, वो आपकी एक्टिंग करते हुए बताते हैं नोजल एक्सेंट में, ये टॉयलेट क्यों नहीं साफ हुआ। कौन था आपका रूममेट? मेरा रूममेट नहीं, मेरे तो शुरुआती दौर में तो अजय वर्मा थे जिनको कि आप नहीं जानते हैं, और बाद में मनोज जी थे। हाँ, तो मनोज भैया ये बताते हैं किस्सा। हाँ, बहुत झगड़ा होता था साथ, हम मनोज जी के साथ तो जो है वो एक वो कहते हैं ना कि बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो वैसा ही है प्रेमचंद का बड़े भाई। अच्छा भाई साहब कि ये भाई साहब जो है वो 9th में है और छोटा भाई जो है 6th में है, फिर उसके बाद जो है अगले एक साल भी तब लेक्चर पिलाते रहे, उसके बाद वो 7th में आ गए, ये 9th में रहे, फिर वो 8th में आ गए, 9th में रहे, फिर उसके बाद दोनों भाई 9th में आ गए, और उसके बाद बड़ा छोटा भाई जो है वो कहीं पहुंच गया, ये 9th में ही। तो मनोज जी भी हमको कई बार सुन लेते हैं, लेकिन सत्ता हमेशा सुन ले ये जरूरी नहीं है ना। तो ये सुनते, आप मुंबई पहुंचे और कई जगह ऐसा लिखा पाया जाता है कि 1 वर्ष तक बिल्कुल अनिश्चय में थे।
हाँ मतलब जब मैं वहां वहां पहुंचे तो ऑफिस ही नहीं, अब एक तो आदत नहीं थी ना कि कहाँ जाएं, किससे मिलें, क्या बोलें, अपनी तो एक आदत बनी हुई थी कि भाई उनसे जाकर पैसा लेना है, उसके जाकर रिहर्सल करना है और पैसे होंगी और उसका हम लोग शो करेंगे, ये एक परंपरा बनी हुई थी पिछले इतने सालों से, 14 साल से। अब अचानक मुंबई पहुंच गए आप, मुंबई पहुंचने में तो जो है जाके वहां फोन पे लाइन लगा के फोन करो, वहां साला कोई उठाता है तो कोई जवाब ही नहीं देता है, टेढ़े मेढ़े आ रहा है बाद में करना, तो बड़ा जलालत महसूस हो, तो कुछ समझ में नहीं आया। और लोगों को देखें तो लोग जो है ग्रीक ग्रीक फीचर्स, वो ऐसे ये उनका नुकीली सी नाक है, लंबे हैं, बॉडी है, फलाना है, ढंकाना है सब, और हमको लगे कि यार यहाँ तो कहीं हम फिट ही नहीं हो रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं, चपरासी और रोल और हवलदार का रोल भी वैसे ही चिकने लोग कर रहे थे। तो समय बीतता गया, समय बीतते बीतते जो है वो ऐसे ही घूमते टहलते बीतता गया। डॉक्टर चंद्र प्रकाश जो है उन्होंने कहा कि वो मेरे मित्र जो है उनके चीफ हुए चाणक्य में, तो उन्होंने कहा कि तुम हमको असिस्ट करो। हम बोले अरे हम तो कुछ जनबे नहीं करते हैं डायरेक्शन, हम बोले तुम सब कर लोगे। राजन कोठारी शूट कर रहे थे चाणक्य। हाँ वो राजन कोठारी शूट कर रहे थे, फिर वहां पे जो है हम गए और डायरेक्शन में जो है उनके लग गए, थिएटर के आदमी थे तो सब चीज आसान था, ऐसा लगा कि लोग बड़े खुश रहते थे, कहीं कोई अच्छा समस्या नहीं होती थी, आप शूट करते रहो कहीं समस्या नहीं होगी। सुबह उठे वो अपना HD पे 2 हजाम बैठाया पीछे और ठीक 6:30 बजे 7:45 बजे फिल्म सिटी में घुसे, वहां लाइन से जो है कुछ 70 लोग बैठे हैं जो चिंदी सटनी है जिनकी, जो क्राउड है वो हजाम को लगा दिए, ले भाई खच 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 सबका बाल उड़ाओ, यानी एक दिन वो बढ़ता है ना, बाल उड़ाओ, उधर मेकअप के जो असिस्टेंट है इधर चिट्टी लगाओ, सबको इधर बैठाओ, उसके बाद सब ऐसे काम खत्म। अब उसके बाद ये काम लगा के फिर जो है आज सीन कौन सा है उसका कॉस्ट्यूम लगा भाई, ये कॉस्ट्यूम, ये कमरा इनको दो, इसमें इनका कॉस्ट्यूम, सब एकदम, मतलब हमको लगा ये सब काम तो बहुत मुश्किल नहीं है। थिएटर ने बहुत तैयार कर दिया था इस तरह कामों के लिए। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि थिएटर अगर आप कर लोगे, थिएटर नाटक नहीं, नाटक में तो आप खाली जाते हो रिहर्सल करने, थिएटर तो ये सारा कुछ आसान हो गया। वहां राजन भाई मिले, राजन भाई हमको बड़ा मानने लगे और फिर एक पॉइंट पे राजन भाई ने उसे छोड़ दिया तो हम भी छोड़ के जो है चले आए और राजन भाई के साथ लग गए, वो फिल्म बना रहे थे। तो अभी कैमरामैन फिल्म बनाएगा तो कैमरा भी वही करेगा, तो हम दोनों में जैसे समझ में तो दोनों ही चीज आने लगती है ना, तो वो मेरे बड़े भाई जैसे थे अच्छा और बहुत मानते थे हमको और बहुत आनंद आता था हमको उनके साथ। एक तो जी और और जो इस शहर में जो मैंने करप्शन देखा था, मुझे लगा कि यानी अपनी इंडस्ट्री में कि मुझे लगा कि ये आदमी जब ईमानदार होकर सरवाइव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं सरवाइव कर सकता हूं, और मैंने ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ा, तो वो एक तरह से मेरे जीवन का मार्ग उन्होंने दिखाया कि भाई तू वही रह जो तू है। और उन्होंने कहा भी एक बार कि तुझको फिल्म नहीं मिलेगी जल्दी, क्योंकि तू कभी धोती पहन लेता है तो बदल जाता है, पतलून पहन लेता है तो बदल जाता है, कभी बाल इधर कर लेगा तो शक्ल बदल जाएगी, मूंछ रख लेगा तो कोई पहचानेगा नहीं। तो बोले यहाँ पे लोग पहचानने नहीं आए हैं, इमेज देखते हैं, इमेज एक रखो। हम बोले राजन भाई तो होगा ही नहीं, तो ये बात सही निकली कि भाई आज ऐसे दिख रहे हैं कल वैसे दिखेंगे, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लगता है कि भाई इसको किस रोल में देना है, क्योंकि तो पिछली बार तो जो है उस शक्ल में दिखी थी, इस बार इस शक्ल में दिख गया। खैर तो वो समय भी धीरे धीरे आएगा, आ ही रहा होगा कि आप दादा बोल रहे थे कि शहर है बदले नहीं है वो। मुझे आपका एक सीरियल ध्यान आ रहा था, शिकस्त, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। उसमें हाँ लीड रोल में थे आप, और कैसे वो हालात के चलते बदलते हैं। तो ये ऐसा कुछ था कि यार मुझे सीरियल नहीं करने हैं, फिल्में करनी, कुछ जिच होती है ना कुछ एक्ट्रेस में,
नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या हुआ कि मेरा दोस्त जिसको बताया जावेद, हम जहां भी रहते थे ना, तो उस समय वो दुबई में था, तो हम जहां भी रहते थे वो वाया वहीं होकर पटना जाता था। तो हम बंबई में अच्छा रहते, तो पहले बंबई आता था, मुंबई से पटना जाता था। तो सारे दोस्तों को के साथ जो है वो तस्वीरें आप देखेंगे, वो खूब लगाता है। वो इरफान, चुतपा, नवनीत, दीपराज नाणा, नताशा, संजय मिश्रा, सबकी सब लोग नवनीत के यहाँ बैठते थे। वो अपना हुड़दंग होता था वो 90 में, तो उस समय सीरियल नंबर बनता था। तो एक दिन जो है उसने हमसे आया था, तो हमसे उसने कहा कि तुम सीरियल कहाँ नहीं बनाते हो। हम बोले यार सीरियल क्या बनाना है, वो तो पैसा लगता है उसमें। बोले कितना पैसा लगता है एक सीरियल बनाने में। हम बोले यार पहले तो वो बनाना पड़ता है ना दिखाने के लिए, तो एक ना कम पायलट से कम पायलट, तो पायलट बनाने के लिए कम से कम जो है 1 लाख रुपए में तो पायलट बनेगा ना। वो गया दुबई, 1 लाख रुपया भेज दिस, 1 लाख रुपया मेरे पास था, क्योंकि मेरा खर्चा होता तो कुछ था नहीं, असिस्टेंट में पैसा मिलता था, खर्चा होता नहीं था। हम खर्चा जो है मेरा, हम लोग बहुत सस्ता था मुंबई उस वक्त, पैसा लगता था। तो फिर जो है वो अनुभव साहब थे, अब ये बात आपने ऐसी छेड़ दी कि हमको, क्योंकि मैंने अनुभव साहब का सुना है आपका, आप बतिया रहे थे जब तक, तो आप बतिया रहे थे ना, जी। अनुभव साहब ने कहीं मेरा नाम नहीं लिया था। तो मैं सबकी इज्जत करता हूं, कितना भी मतभेद होने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि इस विषय को हम इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि मेरे पास ऐसे सच हैं जो सिर्फ बदबू पैदा करते। मैंने आज तक किसी का भी जीवन में बुरा नहीं चाहा है, आज तक। वो मेरा गर्दन काट देगा तब भी हम उसका बुरा नहीं चाहेंगे। ये 78 के बाद मैंने पाया है, हासिल किया है। 78 के पहले तो काट दूंगा बोटी बोटी ऐसे कि जो है आप नहीं पहचान पाओगे कि मेरी बोटी है कि किसकी बोटी है। तो इसीलिए नाम आते ही मैं चौंक गया, मैंने कहा ये तो कहानी हो जाएगी, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो एक शिकस्त सीरियल बना था और बाद में फिर नहीं बना। 24-15 एपिसोड बने। उसका प्रोड्यूसर जो था, आप सोचिए कि वो प्रोड्यूसर, अरे प्रोड्यूसर हम थे, पैसा मैंने लगाया, प्रोड्यूसर मैं था। तो वही आफाक हुसैन बहुत बड़े एडिटर थे, वो एडिटिंग कर रहे थे, और अब्बास उनका बड़ा भाई था। अब्बास ने कहा कि मिलके बनाते हैं, हम बोले हम बनाते हैं, बोले आओ लिखा पढ़ी कर लेते हैं। हम बोले अब्बास भाई बोलते हैं आपको, भाई से हम लिखा पढ़ी क्या करेंगे। सीरियल बनने लगा। जब 15 एपिसोड टेलीकास्ट हो गया तो अनुभव ने कहा कि अरे जाके बात करो यार, पैसे का कुछ हिसाब करो। तो हम कहे अच्छा पहुंच गए। हमने कहा अरे बात भाई, वो 15 एपिसोड हो गया है, हम लोग इसका अकाउंट जो है देख के हिसाब कर लेते हैं। बोले कौन सा, किसका अकाउंट। हम बोले शिकस्त का। बोले तुम। हम बोले अरे मैं पार्टनर है हम लोग ना। बोले कुछ रिटर्न है तुम्हारे पास कि तुम पार्टनर हो। हमने कहा अल्लाह है, और खड़े हुए और निकल गए। 13 लाख, 20 लाख का, क्योंकि संजय उपाध्याय प्रोडक्शन मैनेजर था, उसने बताया कि हर एपिसोड में 1 लाख रुपए बचता है। 20 एपिसोड की शूटिंग चल रही थी, मतलब पैसा मिल चुका है। तो 10 लाख ये और 3 लाख मेरे पायलट में लगे थे, 13 लाख। मैंने कहा अल्लाह देख रहा है, और मैं बाहर आ गया। लाल साहब थे चैनल हेड, लाल साहब ने एनएसडी में मुझे देखा था, हेमलेट प्ले, और इतना प्रभावित थे वो, उन्होंने कहा कल बंद कर देता हूं मैं। फिर बंद हो गया वो सीरियल।
लेकिन कोई मदद किसी ने नहीं की दो लोगों को छोड़ के। सिर्फ दो लोग थे जिसने पूरी बंबई में जो जितने भी दोस्त, बाकी के पास तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन दो जो मैं कहीं भी होता हूं तो ये बात जरूर कहता हूं। एक विजय अरोड़ा जो आज बहुत बड़े कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो 19 में उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, पंजाबी फिल्म जो बनाए थे हॉकी पे, अंडर 19 वाले पे। और दूसरे राजेंद्र हेगड़े, साउंड इंजीनियर। इन लोगों ने मुझे पैसे से मदद की, मेरी 95 में शादी हुई थी, इन लोगों ने मदद की। और जिस पे जीवन में मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो मेरे सामने ही नहीं आया। तो ऐसे करके जो है मैंने फिर जब इस तरीके के वाकये बीतते हैं तो कटुता आती है मन में या वैराग्य वाला, निराशक्ति वाला भाव आता है, क्या है प्रोसेसिंग? वो जीवन में ही नहीं होता है, वो डिलीट कर देता हूं मैं अपने दिमाग से, डिलीट हो जाता है वो आदमी। फिर उसके बाद विनोद रंगनाथ जो कि ये स्वाभिमान लिख रहा था, उसने मुझे एक रोल के लिए कहा जो आशुतोष राणा ने किया था, जो रोल बहुत पॉपुलर हुआ था, उसने कहा अबे तुझको देख के हम ही लिखे हैं रोल, क्योंकि शिकस्त वही लिखता था, वो त्यागी का रोल था शायद। त्यागी का। उसके हाँ बाद फिर एक और रोल उसने कहा, तो हम, मेरा काम चल रहा था, बोले नहीं यार हमको। जब हम फंस गए तो मैं गया, मैंने फोन किया कि भाई मैं क्राइसिस में, मुझे काम चाहिए, क्या क्राइसिस थी? भाई पैसा बंद हो गया, मेरे पास पैसा ही नहीं। अब 35,000 रुपए आते थे, मैंने सारा पैसा अपना जो उसमें लगा दिया था। तो विजू विजय अरोड़ा से या उससे जो है मैं उधार लेता था। तो भाई मैं जब गया, सोचिए कि जो पहला सीरियल किया था पंकज पाराशर का, तो 3,500 रुपए, 93 की बात है ये, 92 की, 3,500 रुपए। और 95 96 में जब विनोद ने कहा कि यार रोल तो कोई नहीं, हम बोले कोई रोल दो, पैसा चाहिए मुझे। उसने कहा यार एक रोल है, दो एपिसोड का रोल है वो, हम बोले करेंगे। बोले अच्छा तुम ये कर लो, हम उसको बोल देते हैं, वो तुमसे बात कर लेगा। जब हम गए और वहां बात करने के लिए पैसे का, तो उसने कहा 1,000 रुपया देंगे एक दिन का। हम कुछ नहीं बोले, हमने किया, दो एपिसोड खत्म हो गया। उसके बाद फिर फोन आया उसका, विनोद का, कि अरे वो एक और वकील आ गया। हम अब लॉ के स्टूडेंट भी रहे हैं, हम बोले यार वो तो सिविल लॉयर था ना, ये तो क्रिमिनल लॉयर। बोले यार कर लेना काम अपना चुपचाप, जो पैसा चाहिए तो तू उनको क्या लेना देना है, तू वकील है बस। और फिर स्वाभिमान में मैंने वो शुरू किया और मैं पॉपुलर हुआ एडवोकेट बंसल के नाम से। और मुझे बड़ी शर्म आए, मुझे लगे कि इससे ज्यादा मीडियोक्रिटी मैं कर ही नहीं सकता हूं। और लोग मुझे देखते ही कह रहे एडवोकेट बंसल, अरे एडवोकेट बंसल। ये आयरनी है कि जो चीज मुझे मीडियोकर लगती थी, यानी देखा जाए तो वो एक ऐसा सीरीज था जहां से कला के क्षेत्र में मीडियोक्रिटी शुरू हुई थी। पॉपुलर पॉपुलर तो बहुत था, लेकिन जो उसका सामाजिक जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया था, वो हमारे उन लोगों के लिए जो है बड़ा ही एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, जिनके जीवन में ये कभी वो देख नहीं सकते थे, जान नहीं सकते थे, तो एक नई तरह की धारा खड़ी कर दी गई कि कौन किसके साथ भागेगा। ये कांस्टेंट स्ट्रगल नहीं रहता है कि आपको लग रहा है कि जो आपका सार्थक काम है वो सफल नहीं है, जो सफल काम है जिसपे आपको बहुत गर्व नहीं है वो, क्योंकि वो वो सार्थक नहीं है? लगातार, हाँ, लेकिन मुझे लगता है, बाकी लोगों को तो नहीं लगता है ना, वो क्या कुछ भी हो, अगर हिट है तो हिट।
वो आए हैं चूंकि फिल्म करने या पॉपुलर होने या कुछ कर, मैं इसलिए नहीं आया हूं, मेरा जीवन इसलिए नहीं है कि मैं पॉपुलर हो जाऊं। पॉपुलर तुम्हें पैदा होते ही है, ये मेरा मानना है, पॉपुलर तुम्हें पैदा होते ही हो गया था कि मेरे पिता को मूर्म नक्षत्र में पैदा हुआ, मेरे पिता को सरसों के तेल में मेरा चेहरा देखना पड़ा, लोहा छुआना पड़ा, जिद्दी था, क्रोधी था, तो बचपन से ही कांड शुरू था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा आदमी क्या होता है, इसकी परिभाषा है क्या कोई? बड़ा विचार से होता है, आचरण से होता है, काम से होता है। धन से अगर आप बड़ा बनते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कि वो जैसे ज्ञान को जब धन संचालित करता है तो वो बोझ जैसा होता है, और ज्ञान को जब श्रम संचालित करता है तो धन संचालित होता है। आज बिल्कुल उल्टा है, आज ज्ञान को श्रम संचालित नहीं कर रहा है, आज ज्ञान को धन संचालित कर रहा है, धन चला रहा है। आप देखेंगे कि आप एक खुला और एक ऐसी चीज आई कि जीवन की सबसे सुंदर छवि हम आपको देने वाले हैं, तो क्या देने वाले हैं ये नहीं बताएगा, स्कीम बता देगा। तो ये स्लोगन्स कहां से आ रहे हैं? ये ज्ञानी लोग हैं वही स्लोगन देंगे, स्लोगन सबके बस की बात नहीं है। तो जितने बड़े बड़े लोग जो पढ़ लिख के जब बाहर आते हैं तो मल्टीनेशनल्स उनको खरीद लेता है, क्योंकि वो उनको देता है 20 करोड़ का, 30 करोड़ का पैकेज देता है सालाना। अभी कुछ ही रोज पहले हमारी एक एम्स के प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, तो इसी विषय पे कि हमारे देश के जो का जो बेस्ट टैलेंट है वो बेस्ट टैलेंट आगे का, और जो बेस्ट टैलेंट है उसको ट्रेन करने में, एक्सप्लोर करने में, एक चेन बिल्ड करने में लगे, पर इसके बजाय ज्यादातर लोग विदेश चले जाते हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं है, प्राथमिकताएं अलग है, ये पूरा दिक्कत है, ये सिस्टम की दिक्कत है। तो देश में अगर देखें आप तो ईमानदारों की संख्या जो है वो दशमलव में चली गई है, और जो ईमानदार हैं उनके सामने चोरी करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हम ये बता नहीं पाते हैं कि भाई आप ईमानदार हो या नहीं हो। हम ईमानदार तभी समझेंगे ना जब आपके पास कुछ चुराने के लिए हो और आप चुरा नहीं रहे हो, तभी तो आप ईमानदार हो गए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को धीरे धीरे शब्दों में बदला जा रहा है, व्यवहार में उसका कोई अर्थ नहीं। ऐसा आपके इर्द गिर्द के कई लोग जैसे जिक्र होता है तो मतलब उनका ये होता है कि विनीत सख्त बहुत है, उसमें मुंबई या इंडस्ट्री के लिए जो अनिवार्य लचीलापन है, एडजस्ट करना, फ्लूडिटी, उसकी थोड़ी सी कमी है। कभी आपके दोस्तों ने आपके मुंह पे ऐसा कहा? कहा, डायरेक्टर बोलते हैं, लेकिन जब काम करते हैं, अभी हम काम कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले की बात है, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, तब बैठे वहीं। तो हमने जो है वो दिव्यांशु नाम है जिसने ये फिल्म बनाई थी चिंटू का बर्थडे। अच्छा, चिंटू का बर्थडे आपने देखा है? देखिए, ये जो विनय पाठक वाली फिल्म है। हाँ। अच्छा, उसमें विनय भाई ने बोला था, अभी मेरी वॉच लिस्ट में देख नहीं पाया, मतलब बढ़ा बढ़ा के देखी, ठीक से देखनी है। हाँ, तो आप देखिएगा कि वो बाहर की फिल्म है और हिंदुस्तान में शूट हुई है।
तो मैंने कहा कि भाई लोग जो कहते हैं कि विनीत जो है वो डायरेक्टर को सिखा देगा, विनीत जो है वो ये कर देगा, विनीत आपको क्या ऐसा लगता है? तो हंसने लगे। हम बोले हंस के टालिए मत, अरे खुल के जवाब दीजिए अगर ऐसा लगता है तो। बोले नहीं भाई, आप जब आप सेट पे आते हैं तो जब तक सीन खत्म नहीं होता है आप अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, आप हिलते ही नहीं हैं। तो मेरे बारे में जो दंत कथाएं चलती हैं ना, उससे हम पॉपुलर हैं। इसलिए पॉपुलर नहीं है कि मैंने कोई सिनेमा करके जो है कुछ तीर मार लिया है, मेरी कहानियां पॉपुलर है। तो बस वैसे जीवित हैं तो हमको लगता है चलने दो ये कहानी। विनीत का नाम जीवित होना चाहिए तो वो जीवित है, चाहे पॉजिटिव तरीके से चाहे निगेटिव तरीके से। बाजार में अगर आप निगेटिव तरीके से भी अगर वो पॉपुलर हैं तो नाम तो है ना आपका भाई, कि हाँ भाई एक एक्टर है विनीत कुमार जो टेढ़ा है, तो हो सकता है एक आदमी को लग जाए, करे इसी टेढ़े आदमी को बोला इसका टेढ़ापन देखते हैं। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है, मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि अरे बहुत बकवास करता है। तो कई लोग मुझे कहे अरे इतना काय बोलते हो यार, वो कहता है बकवास करते हो। हम बोले यार मेरी बात उसके लिए बकवास है, वो सच बोल रहा है भाई। वो अगर उसको मेरी बात बकवास लग रही है तो उसकी अपनी मानसिक अवधारणा है, वो बकवास है। तो इसलिए मुझे उस चीज से आपत्ति नहीं होती है। अच्छा, आपका एक चीज मैं और बताइए दादा। जैसे एक एक्टर के तौर पे हम अमूमन देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आपको अलग अलग स्थितियों के लिए ट्रेन किया जाता है। इसको लेके बड़े विरोधी विचार भी होते हैं। जैसे किसी एक एक्टर को कहा जाए कि इस सीन में आपको न्यूड होना है ना? जैसे हम गेम ऑफ थ्रोन देखते हैं या कोई बहुत सारी फिल्में, द रीडर देखी, बहुत सारी फिल्में ऐसी, तो कहते हैं यार ये मेरा एक काम है ना? मतलब मुझे इसमें चाहे काठ की लकड़ी बनना पड़े, चाहे उल्लू बनना पड़े, चाहे जमीन बनना पड़े, मैं बनूंगा। आपको कभी ऐसे आपने सोचा कि ये विनीत कुमार को, ये जो रोमांटिक सीन्स हैं उसमें वो अटक कहाँ जाता है? क्योंकि एक्टर के तौर पे तो उसने बहुत ट्रेनिंग ली है, तो वो क्या कुछ भीतर का जिच है आ जाता है? क्या है, क्या हाँ वो कभी आया होगा दिमाग में? कॉम्प्लेक्स है, मेरे अपने कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि हमने वो सब शुरू से ही, आप अगर कहानी याद करें तो वो कहानी कि सब घर में डिसिप्लिन है, घर में जो है चुटकुले भी टाइम से ही होंगे और घर में जो है पढ़ेंगे भी टाइम से और ये वो। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि शरीर नहीं छू सकते, हम शरीर छू के बात ही नहीं कर पाते, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। तो जो टच करना होता है, तो मेरे दिमाग में एक बार एक दो बार ऐसा हुआ है, रेप करना पड़ा है तो मैंने कहा लड़की को हटा दीजिए। अच्छा, वो सीन ऐसे डिजाइन करिए कि लड़की ना हो, आप हमें दिखा दो, एक्सप्रेशन दिखा दो। हाँ भाई जाहिर है कि रेप तो दिखाओगे नहीं ना, कोई एक ही चीज दिखेगा, तो मास्टर शॉट ले लो, जब तुम मेरा लोगे तो वो लड़की नहीं होगी नीचे। तो वो काम चल गया। एक बार एक लड़की तो बड़ा थैंक यू उनको बोली, वो कच्चे धागे में वो एक था रेप सीन, वो फिल्म जी नहीं जी है, जी वो घबरा गई थी। हम बोले घबराइए मत, हम ही हैं वो करने वाले, आपका शरीर छुएंगे भी नहीं, आप खुश रहिए। तो बहुत थैंक यू उनकी बोली, वो मॉडल थी अंग्रेज टाइप की कुछ। तो नहीं, ऐसे आप ये ही जो एक, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप बोले जैसे थैंक यू थैंक यू बोली, इसको लेके कई दफा ऐसा भी होता है क्या कि एक्टर या एक्ट्रेस या जो साइड वाले हैं वो सहज नहीं है लेकिन करना है? जैसे आप बोले वो घबराई हुई थी। हाँ, बिल्कुल 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 भाई, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया महिलाओं ने, मी टू, सबने अपना पिछला जो है झांकना शुरू किया कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया था ना, ये तो हम लोग जानते हैं। इतना ज्यादा हो गया था कि एक बार हम भी सोचे कि जरा पीछे मुड़ के देख ले यार। तो आप सोचिए कि वो वजहें जो हैं
तो रहती हैं, रही हैं, अभी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे एक बहुत ही साइकोलॉजिकल रीजन कहा जा सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण है कि क्या है कि जब वेद लिखा गया तो वेद में ये सब कलाकार लोग गए, बोले मेरा कहाँ है, बोले भाई तुम लोग वेद में नहीं आ सकते हो, उसका अपना डिसिप्लिन है और तुम लोगों का अपना डिसिप्लिन है, तो वो पंचम वेद तुम लोगों का है, इसको लेके शहर से बाहर रहो, हमारा अपना डिसिप्लिन है। और समाज का अपना एक डिसिप्लिन है जिसमें कि सब लोग उसे फॉलो करते हैं, हम लोग नहीं फॉलो करते। उसके पीछे वजह जो है वो ये है कि सारे दुनिया में जितने भी काम हैं जब शुरू होते हैं तो इमोशन बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो ही अभिनय शुरू होता है इमोशन का दरवाजा खोला जाता है। हो सकता है कि वो काम करते करते स्लिप कर जाए, संभावनाएं बनती हैं ना, क्योंकि हम इमोशनल हो रहे हैं, हम रियल हो रहे हैं, मतलब मेरे जीवन में तो ये कितने उदाहरण हैं कि जब कोई मेरा बच्चा बेटा बेटी बनता है तो वो महसूस करता है कि ये मेरा बाप है, हमें मसान में वो चीज पर्दे पर भी नजर आती है। हाँ, जो इंस्टेंट तो, सबसे ध्यान आ रहा है। हाँ, तो अगर अगर आप ऐसे देखें मसान में तो हुआ कि ये डोम है, मुर्दा हट्टी पे मुर्दा जलाता है, अब मुर्दा जलाने वाला जो है कांड मेरे कभी जीवन में आया नहीं, रहा नहीं, तो मुझे लगा क्या करें यार, डायलॉग तो जो है लाइन तो समझना और स्क्रिप्ट को समझना और उसका सोल और विचार वो सब तो समझ में आ ही जाता है, करेंगे कैसे, महत्वपूर्ण ये है। तो शरीर उस तरह का नहीं था, तो मुझे लगा क्या किया जाए, तो बनारस मेरा ननिहाल है, तो हमने फोन किया, तो जो है वो डोम राजा के यहाँ फोन गया, बोले कि भाई वो मेरा जो है वो भांजा है और वो जरा कुछ उसका करना है काम, आप जरा देख लीजिएगा। तो एयरपोर्ट से सीधे मेरा जो मेरा भाई है वो हमको ले आया मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट पे वो गए डोम राजा के यहाँ, डोम राजा एकदम उछल पड़े, बोले हम कर रहे हैं एक रोल, वो रोल नहीं कर सके क्योंकि उनके यहाँ कोई डेथ हो गया इसलिए वो किसी और ने किया। तो उन्होंने कहा एक दो दो, दो एक दो डोम को बुलाया, कहा कि भाई ये ले जाओ इनको और ये जो अपने साथ रखो बैठाओ। अब ये कि डोम लोग क्यों बैठाए क्या ओ, तो बस मैंने महादेव का प्रसाद खोला, बस चला दवा, सब खुश, भीड़ लग गया, बैठ गए, फिर उसके बाद सवाल होने लगा, फिर उनके साथ नंगे पैर, फिर उसके बाद धोते पहन लिए और बंडी पहन लिए, और उसके बाद हमको लट्ठा लट्ठा उठा के रखे, बोले अरे क्या कर रहे हैं, बोले मैंने लट्ठा उठाए, लट्ठा तौले, लट्ठा जो है ऊपर से लेके नीचे उतारे, चिता बनाए, मुर्दा रखे, मुर्दा पलटे जलता हुआ, सब तंबई कर दिए थे, सारे बाल जल गए थे, 7 दिन ये काम किए रोज 10 घंटा। अब इसको हम ग्लोरीफाई चाहे तो करें, लेकिन मुझे लग रहा है ये मेरा जॉब है जो मैंने नहीं किया है, उसको समझने के लिए शरीर जो है वो उस प्रकार का होगा तभी जब आप उस सांचे में ढलोगे, ये दूर से देख के नहीं हो सकता है, नकल करोगे। वो तस्वीर है मेरे पास, अरे गोड़वा मोड़ ना रहे उसका, मुर्दा का कोई भी
अंग अगर चिता से बाहर गिर जाए तो अपवित्र हो जाएगा। वो तस्वीर मेरे पास है, वो फेसबुक पे कहीं लगा भी हुआ है, टांग निकला हुआ है और लाश जल रही है, और वो बोलता है अरे टंगवा मोड़ ना रहे उसका, नहीं तो टांग वो आगे वाला हिस्सा गिर जाएगा नीचे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे करके जो ये कोई मैंने महान कार्य तो किया नहीं, और नहीं ये कहा जा सकता है कि सब लोगों के लिए ये संभव है कि अगर ये कोई एक परिपाटी बन जाए, हो सकता है किसी को समझ में ही ना आए, कोई वहां रहे और उसको लगे यहां बैठे रहो करते रहो तो हो जाएगा। नहीं, आप अपने दिमाग को ये आदेश देते हो कि अब ये समझना शुरू करो। हम लोग समझना शुरू कर देते हैं तो वहां से मणिकर्णिका घाट से अपने लोकेशन में पहुंचने में 40 मिनट लगता था, नंगे पर 40 मिनट चल के जाते थे। क्यों चल के जाते थे? क्योंकि सब नंगे पैर रहता था और उनको कंकड़ नहीं करता था। हम जो ही चप्पल उतारे तो चूक जाए ऐसे करके, क्योंकि नीचे कंकड़ लगता था। तो अगर डोम है तो अगर एक छोटा सा भी ऐसा अगर होता है तो मेरे चरित्र के लिए सही नहीं है। किसी को दिखे ना दिखे इससे लेना देना नहीं है, मुझे दिखना चाहिए। जब मुझे दिखेगा तो आपको दिखेगा, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको दिखाने के लिए मुझे स्टार बनना पड़ेगा, तब आप वो पर्सनालिटी देखोगे, लेकिन अभिनय के लिए मुझे देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा तब आपको दिखेगा स्पष्ट। और इसके लिए जरूरी है कि डायरेक्टर एक्टर को देखे। डायरेक्टर अगर एक्टर की समझ पैदा कर लेता है तो अद्भुत काम हो जाता है, चाहे काम कितना क्लीशे क्यों ना हो। मुझे पता नहीं क्यों भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन, हाँ ये जो डायरेक्टर है रवि, वो मेरे पीछे जो है वो हुआ कि अरे वो फिल्म है बहुत बड़ा अच्छा रोल है फलाना, बोले अच्छा ठीक है, तो हो गया कि कर रहे हैं। फिर डायरेक्टर आया, डायरेक्टर के साथ मीटिंग हुई, मीटिंग हुई तो उसने जो है हमें कहानी सुनाई। कहानी सुनाई तो मैंने 3 या 4 लाइन बोली हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेसी के बारे में। उसने कहा मेरी फिल्म तो आप हमसे बेहतर समझ गए। हम बोले भाई हिंदुस्तान में यही तो होता है, हम पॉलिटिक्स में रहे हैं तो हमको समझ में आ जाती हैं चीजें। और बहुत खुश हुआ और वो फिल्म हो गया कि करेंगे। फिर वहां राजपाल था तो कहीं भी जाना हो वो भी भाई वहीं रहते हैं, वहीं रहे। फिर वो आए क्या नाम है उनका, मार्टिन शी। तो हम पूछे अबे मार्टिन शीन कौन है? तो बोले अबे ऑस्कर मिला है इनको। हम बोले यार तब तो बड़ा आदमी होगा, ऑस्कर तो मतलब बड़ा आदमी होगा। हम फिल्म नहीं देखते हैं, अभी हम 2-3 साल पहले से फिल्म देखना शुरू किए हैं, नाम तब भी याद नहीं रहता है, लेकिन अपना अब हम वो ज्ञान बढ़ा रहे हैं कि फिल्में क्या होती हैं, कैसी होती हैं, वहां की फिल्म अपने यहाँ की फिल्म। तो मार्टिन शीन को जो है हमने वो सीन चल रहा था, हम बाहर खड़े हुए थे, उसके बाद उस सीन में हम भी थे, चार एक्टर थे, मार्टिन शीन थे, मार्टिन बैमब्रक था और एक और कोई था, जर्मन था शायद या क्या था, और हम थे। मेरा एक लाइन था, हेलो जी जी सर, कहता ना हेलो, नहीं डायलॉग है, हेलो अच्छा। सर चेयरमैन को दे रहे मार्टिन जी को, इतना। अब उसके बाद जो है वो अपना सीन खत्म करके आए, वो जो पहले चल रहा था, तो हम उनको देखने लगे एकदम, अरे ऑस्कर ही मार्टिन सीन।
और देखे और एकदम जल्दी से वो जब नजर मिली तो हम ऐसे, और वो मेरा नाम जानता था करेक्टर का, और हमने हम किसी के साथ तस्वीर भी नहीं खिंचाते हैं। पहली बार मैंने मार्टिन चीन के साथ सर फोटो एकदम ऐसे फोटो फोटो खींचे, फोटो खिंचवा लिया। पता नहीं उसको क्या समझ में आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर वैन में ले गया। हमको लगा यार इसलिए अभी अंग्रेजी बोलेगा, हमको कान खोल के दोनों अंग्रेजी समझना पड़ेगा, उसके जवाब नहीं, कहे ले जा रहा है हमको यार, कहाँ ले जा रहा है, वैनिटी में ले गया, बैठ गया हम। और उसके बाद वो बताने लगा कि उसने सीन के बारे में क्या सोचा है। मेरे दिमाग में ही चल रहा है कि बे अबे तू ये तो फिल्म का सलमान है, सलमान होते तो अभी लाइनें कटवा देते, अबे हटा हमें फोन उठा लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, हेलो आपका है। तो उसे सब बताया होता है, हम लोग चलिए सही हुआ। 20 मिनट तक वो बोले क्या, हम जो है वैन से निकल के चले आए, बोले कमाल है सर, बहुत अच्छा है। अब इमरजेंसी में अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो बोल देते हैं। तो जब ये हो गया तो जब सीन शुरू हुआ, और उसके बाद मैंने देखा कि ये सब जो तीनों हैं या जो भी, ये सब जो हैं जब चलते हैं ना तो मैं इनके पीछे पीछे चलू, देखे कि साले बात नहीं कर रहे हैं, डायलॉग अपना अपना बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। फिर सीन शुरू हुआ, सीन शुरू हुआ तो जो है सीन खत्म हो गया, और अचानक जो है मेरा कौंधा कि यार पूरे सीन में मैंने मार्टिन चीन को देखा नहीं। ये मेरी हुई ट्रेनिंग, मार्टिन चीन ने ली वर्कशॉप 20 मिनट तक। उसको लगा ये आदमी जैसे भौकाल की तरह देख रहा है हमको, सीनों में ऐसे देखेगा और सीन को गोड़ देगा। तो 20 मिनट तक वो जो है हमको तरल किया उसने अपने पास बैठा के। इसको कहते हैं एक्टर की समझ, कि भैया ये छोटा बड़ा नहीं है, सीन में कोई भी होगा उसका महत्व तो उतना ही है जितना मेरा है, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं तो वो भी सही होना चाहिए, तभी वो इनलार्ज होगा। तो ये सबक था उनका। वैसे ही ये प्रेयर फॉर नहीं, वो अरे मनोज जी के साथ वो किया था फिल्म तारापुर, फूल नहीं, तारापुर रिटर्न टू तारापुर, अरे वो अमेरिकन फिल्म थी, अच्छा उसमें था एक उसका क्या नाम रिटर्न टू था, राजापुर था। रिटर्न टू राजापुर, हाँ उसमें वो एक्टर था, नाम ही भूल गए उसका, कोई बात नहीं, आप वाकया वो बता दीजिए। हॉलीवुड, हाँ हॉलीवुड के उसमें वो बहुत काम की है, जस्टिन थो। अच्छा तो सीन एक था, वो सीन चल रहा था जिसमें कि मनोज जी बैठे हुए हैं, हम मनोज जी के जो हैं वो हैं बचपन वाले मैनेजर, नवाब साहब हैं राजा साहब, तो हम उनके बगल में मनोज जी के खड़े हुए हैं, उधर वो अपना वो एक्टर भी बैठा हुआ है जस्टिन थो। अब उसके बाद जस्टिन का जब सीन हो जाता तो जस्टिन का जो है वो क्लोज लगता है, क्लोज में पीछे जो है वो लो एंगल लगा है तो हम दिख रहे हैं ब्लर में, तो ब्लर में हमको खड़ा कर दिया गया, और उसके बाद वो टेक हो गया, टेक होने के बाद हम अपना ओके हो गया, हम चल दिए। जब जाने लगे तो अचानक जस्टिन थो जो है वो पीछे पीछे आए, बोले अरे प्लीज कम कम, यू मेड माय शॉट कम। हम बोले अबे क्लोज इसका लगा, शॉट मैंने बना दिया, ये समझ में नहीं आया। उसने बैठाया, उसने क्लोज दिखाया अपना, क्या हुआ कि जो सीन में था कि हम नीचे देखते हैं वो मनोज जी कुछ बोले थे, उसके बाद उधर से कोई आ रहा है तो उधर से हम उसको जाते हुए ऐसे देखते हैं, वो जो सीन में किए थे, उसने कहा कि एक स्टैटिक शॉट को, फ्रेम को तुमने मूवेबल बना दिया, मूव करवा दिया अपने उस जेस्चर से, सर के 2 बार या 3 बार जो तुमने किया। अचानक मुझे लगा कि यार ये दूसरी एक और ट्रेनिंग हो गई, किस
शॉर्ट में अगर तुम मेन बैठे हुए हो तो आजू बाजू जो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये बहुत जरूरी है। कौन सा कलर है, कौन सी लाइट आ रही है, कौन सा पीछे बैकड्रॉप में प्रॉपर्टी दिख रहा है, सब कुछ। तो ये सब ट्रेनिंग है कि भाई आप खाली डायलॉग बोलने के लिए नहीं बैठे हैं। तो ये सब ट्रेनिंग है कि भाई फिल्म में जो है आपको सब चीज देखना चाहिए कि भाई आपका जो फ्रेम है वो पीछे क्या क्या दिखा रहा है। जैसे हम लोग ने हिंदी फिल्मों की बात की कुछ एक, कि इंग्लिश फिल्मों का जिक्र आया, तेलुगु फिल्म है, वहां का मैकेनिज्म कितना अलग था, क्योंकि आपने साउथ की खूब फिल्में की हैं। साउथ की 20 साल की है साउथ की फिल्म, वो बेसिकली वो डिसिप्लिन्ड है। अब ये एक और मेरा अपना वो है, मेरा अपना विचार है, हमको ऐसा लगता है कि हमारे देश में हिंदी नहीं बोली जाती है। हमारे देश में क्षेत्रीय भाषा में हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी का कोई प्रदेश ही नहीं है, बिल्कुल, वो एक सरकारी भाषा है जिसको बाद में सबने, जो उसका जो मानकीकृत रूप है, नहीं उसकी कोई जमीन नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो हिंदी की अपनी कोई जमीन नहीं है। जब हिंदी की अपनी कोई जमीन नहीं है तो हिंदी सिनेमा की जमीन कैसे हो सकती? भोजपुर हो सकता है, मिथिला हो सकता है, अवध हो सकता है, हिंदी सिनेमा ऐसे तो बनता नहीं है। इसीलिए चरित्र जो हैं वो फेरी टेल जैसे लगते हैं। यही फर्क है साउथ में और हिंदी में, वो अपनी जमीन के लिए फिल्म बनाते हैं। काफी दिलचस्प है ये ऑब्जर्वेशन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ललन टॉप के दर्शक इस पे प्रतिक्रियाएं देके इस बहस को और आगे बढ़ाएंगी, ये जो आपने द्वैत की बात कही। हाँ, मतलब हिंदी का की समस्या क्या है, फेरी टेल हो जाता है, उसकी कोई जमीन नहीं है। जैसे हमने वो फिल्म देखी जिसमें विशाल भारद्वाज जी की फिल्म थी, अजय जी थे उसमें, अजय जी और लंगड़ा त्यागी उसमें था, वो अपने ओंकारा 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 यूपी का बैकड्रॉप है, मेरठ के आसपास का। मेरठ में कौन बोलता हो इसे, आप प्योर चरित्र दिखा रहे हो, लेकिन वो चरित्र नहीं है, वो फेरी टेल है। तो इसीलिए चीजें जो हैं वो, जैसे अगर आप देखिए कि ऐसे संघर्ष आप देखिए पुराना, उसमें वो चरित्र दिखते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से स्क्रिप्ट जो लिखी गई है वो उस आधार पे लिखे गए हैं उसके चरित्र। पहले उतना कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं था, अब जो है समाज में इतना कॉम्प्लिकेशन है कि चरित्र में कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, वो कॉम्प्लिकेशन हम दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि सेंसर है। सेंसर कहता है कि भाई ये किसी को हर्ट कर देगा। अभी ये सच है, बनारस में एक आदमी बिना गाली दिए नहीं बात करता है। बनारसी जो है वो अगर गाली ना दे तो उसका जो है हजमे ना हो। अरे वो तो महादेव का नारा भी लगता है तो उसमें भी आ जाता है। सब जगह तो कहीं ना कहीं हम अपने से ही लाचार हैं, और हर जगह जो है वो मोरालिटी के नाम पे जो है वो फाड़े जाते हैं कसीदे। मोरालिटी, अब मूल रूप से मोरालिटी, अब ये बात समझने वाली है, जो मुझे ऐसा दिखता है कि भाई रामायण पहले क्यों लिखा गया, महाभारत पहले क्यों नहीं लिखा गया,
क्योंकि मूल्यांकन करने के लिए पहले मोरालिटी प्रूव करना पड़ेगा, और मोरालिटी जो है एक बहुत व्यक्तिगत सी चीज है, पर्सनल है, आपका अपना है। आप अपनी मोरालिटी जब डिक्लेयर करते हो सामाजिक रूप से, तब समाज आपका मूल्यांकन करता है। इसीलिए रामायण में जो है मोरालिटी की बात की गई, महाभारत में उसका मूल्यांकन किया गया। इंटरेस्टिंग। वैसे ही जैसे जब हम देखना शुरू करते हैं कि भाई ये हमारे जमीन पे ऐसी ऐसी चीज, हम अपने मन से कहां लिखा है, नहीं लिखा है, पढ़े हैं नहीं पढ़े, उससे हमको कोई लेने देना नहीं। मुझे इससे लाभ मिलता है, मैं महादेव का उपासक हूं। एक ऐसा महादेव का उपासक जो कॉमरेड है, हमको इस दोनों में कहीं कोई मतभेद या अंतर विरोध नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जब हम महादेव के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है, अरे भाई ये बिल्कुल आर पार हैं, इनके मन में कोई छुपाव दुराव नहीं है, ये अपने आस पास की सब चीजों को अपने समान मानते हैं, ये कम से कम सामान में जो है अपना जीवन बिताते हैं, ये कहते हैं सब खुश रहो। उसके लिए खुद खुश रहना है। खुद खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अत्याचारी हो जाओ। ये क्या है, यही कहता है ना वामपंथ, इसके अत्यंत तो क्या कहता है। फिर इकोनॉमिक्स आप पढ़ें तो आपको देखेंगे कि जब शादी सती की होने लगी तो देवता लोग बोले कि माते जा रही हैं तो विष्णु बोले तो भाई महादेव के पास जाओ। ये लोग महादेव के पास गए, आगे आगे जो है वो अपने क्या नाम है जो कारीगर के विश्वकर्मा जी जो है वो बताते हैं महादेव को कि प्रभु यहाँ एक विशाल महल बनेगा और ये इसमें ये होगा। और वो क्या बता रहे हैं, जो प्रकृति में है, आप उसमें नदी बहा रहे हो, ये बहा रहे हो, महल बना रहे हो, बस उन्होंने सब सुन लिया। और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि उसका क्या होगा, आसमान की तरफ दिखा दिया, नीचे दिखा दिया, जमीन का क्या होगा, ऐसे प्रजा को दिखा दिया, मतलब जो भी नट और वो जो भी उनके गण और वो सारे लोग, इसका क्या होगा। कहानी के रूप में इतना ही भर है कि उन्होंने कहा क्षमा प्रभु, और लोग वापस चले गए। मतलब क्या हुआ इसका, कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को जब आप बांधोगे तो वहां की इकोनॉमिक्स बदल जाएगी। और अगर इकोनॉमिक्स बदली तो ये देखना पड़ेगा कि जो वहां लोग रह रहे हैं वो उसके लिए मान्य है या नहीं मान्य है। सब कुछ है लिखा हुआ। हम चूंकि चंदन टिकली हल्दी माया ममता मोह गाय में फंसे हुए हैं, वरना हमारा शास्त्र बहुत विशाल है, हम उसे समझ नहीं रहे हैं, समझे ही नहीं हैं आज तक, खाली घंटी बजाने में विश्वास कर लिए हैं। दो चीजें दी गई इस जमीन को, एक दिया गया ओम और एक दिया गया स्वस्तिक, दोनों हम लोग पूजा में लगा लगा के जो है छोड़ देते हैं। ओम वो ध्वनि है जो आपका विकार दूर करती है, मानसिक विकार, और स्वस्तिक वो चीज है जो ये कहता है स्व में आस्था, ये दोनों मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाता है, और दोनों हम पूजा में लगा के छोड़ देते हैं। तो अब आप ये सोचें कि भाई इसका अभिनय से क्या लेना देना है, ये बातें क्यों, भाई सब चीज का अभिनय से लेना देना है। जब तक स्व में आस्था नहीं होगा आप अभिनेता बन नहीं सकते हो, आप अपने समय का इंतजार करते रहोगे, अभिनय नहीं कर पाओगे। समय आएगा तो लोग स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि समय सब स्वीकार करता है। अभिनय करने के लिए कितने लोग बंबई जाते हैं, आप मुझे इतना लोगों को देखे हैं आप बताएं, सब नाम कमाने जाते हैं, बड़ा आदमी बनने जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, अपनी शक्ति दिखाने जाते हैं, अभिनय करने कोई नहीं जाता है।
मैं अभिनय करता हूं, जानता हूं या नहीं जानता हूं यह मुझे आज तक नहीं मालूम चला है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना जानते हो उतना समझने की कोशिश करो, और अगर हार जाओ तो क्षमा मांगो और यह काम छोड़ दो। लेकिन इतने साल हो गए, आज तक क्षमा नहीं मांगना पड़ा है मुझे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जो काम करने के लिए आए हैं या कर रहे हैं, उसके पीछे वो काम इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन कुछ और है। इसीलिए वो चीज हमारे यहां की विशाल नहीं बनती। हमारे यहाँ का अभिनेता जो है वो अद्भुत है, कमाल है, एक से एक अभिनेता आपको मिलेगा, लेकिन वो क्यों नहीं दिखता है? इसलिए वो भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है। इसीलिए हम आज तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितने अभिनेता जो हैं वो कोई दिखाई नहीं देते। अभी हम देखते हैं कि जिसको देखिए वही अपना एक अवार्ड लिए हुए दिखाता है, और वो वहां पे नाम भी हम नहीं सुने हैं, जानते हैं दो चार नाम के अलावा हर जगह लोग, जैसे लगता है गली मोहल्ले वाला। विदेश में भी तो गली मोहल्ले में होता होगा ना फिल्म फेस्टिवल, जैसे हमारे यहाँ होने लगा है, हर गली मोहल्ले में फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। फिल्म फेस्टिवल करने वाले फिल्म समझते हैं या नहीं समझते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। हमको एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा है, फिल्म अगर इससे फिल्मों का विकास हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। लोग फिल्म फेस्टिवल इसलिए करते हैं कि दर्शकों की संख्या बढ़े। अगर आपका फिल्म फेस्टिवल से 100 दर्शक अगर नहीं बने हैं तो वो फिल्म फेस्टिवल बेकार है। दर्शक बनाएंगे ना आप। साउथ में आप देख लीजिए, उनको फेस्टिवल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिल्म ही बनाते हैं, दर्शक बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, वहीं पैसा सब वसूल हो जाता है, क्योंकि वो अपने जमीन के लिए फिल्म बनाते हैं। उनके जमीन का वो सच है, उस जमीन के वो लोग हैं। अच्छा दादा, एक सच और बताइए, जैसे आप मसान का पूरा उस कैरेक्टर को अप्रोच करने का प्रोसेस बता रहे थे, जो मतलब मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब हमने हमें इजाजत मिली सिनेमा टॉकीज में देखने की, या यूं कहें कि हम 10वीं के बाद गए और कहीं कहीं से पैसा बचा के देखने लगे, तो उस दौर की जैसे फिल्में हैं जैसे कच्चे धागे हैं या शूल है ना, तो कच्चे धागे में आप पुलिस कांस्टेबल बनते हैं और शूल में इंस्पेक्टर तिवारी करते हैं। अब जो इंस्पेक्टर तिवारी का रोल है कि वो एक तौर पे बड़ा व्यवहारिक दिखता है, कहीं बड़ा जिद्दी दिखता है, कहीं वो ईमानदार समर को बचाने की कोशिश करता है, तो इस तरह के रोल्स जो हैं जिनके आसपास रेफरेंस दिखते हैं, फिर उनको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है? वो देखिए, शूल के बारे में मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं कि शूल मुझे मालूम नहीं था क्या फिल्म है। ओके, अनुराग से या किसी से बात नहीं हुई थी इस बारे में? नहीं, सबसे बात हुई थी, सब तो सबके तो भैया हैं हम जी, पहले। और वो 7वां असिस्टेंट था शीनू, रामू के दौड़ में पीछे अच्छा खड़ा रहता था, सर सर प्लीज सर। तो जब पहले दिन चुटकुला हुआ, चुटकुला बोले, तो उसका दूसरा सीन चुटकुला, दूसरे दिन फिर चुटकुला, तो हम बोले ए भाई हमको तुम, हमने एक नाम लिया कि भाई जॉनी लीवर बनाना है क्या, रोज चुटकुला ही दे रहे हो, ये नहीं करना है हमको, फिर है क्या फिल्म में? तो ये अपना अनुराग ने कहा भैया वो आप कीजिए, आप कीजिए, बहुत सही है। हम बोले अच्छा बहुत सही है। हाँ तो मनोज फैला रहता है, मैं चलना करना है चुपचाप। उधर से शीनू आया, श्रीनिवास,
फर्स्ट फिल्म सर प्लीज। सब लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया था मसले को, और हमको लग रहा था भाई चुटकुला के अलावा कुछ करना भी एक नहीं कर रहा है। तो ये फिल्म उन लोगों के दिमाग में थी जो रामू ने कहा था कि सवाल मत करो, जो देते जाए करते जाओ, फिल्म हम बना रहे हैं। और उसने जो है तिवारी जी रच दिया, हमको नहीं मालूम था कि तिवारी जी का ये हाल होगा। एक दो जगह मैंने जरूर कहा था, क्योंकि शूल से एक बेसिक समस्या हुई बनारस में, आप जब वाटर करने गए थे तो कॉमरेड लोग आ गए उधर, उन्होंने कहा भाई अनुराग आया मिला ही, उनसे बात करनी है शूल पे, एकदम तैश में। हम बोले क्या बात करनी है भाई, तो हमने अनुराग को फोन किया, अनुराग ने कहा कि क्या बात करनी है, कौन है? हम बोले भाई कॉमरेड लोग हैं। बोले भैया अभी तो जो है, हम बोले अच्छा जरा जान लेते हैं कि इन लोगों क्या सुन। उनका क्या कहना था मालूम है? उनका ये कहना था कि जो बचा रहा है वो सिंह है, जो पॉजिटिव है वो तिवारी है, जो मार रहा है वो यादव है और मुसलमान है। समर प्रताप यादव क्यों नहीं है, समर यादव क्यों नहीं है, और वो सिंह क्यों नहीं है? बच्चा यादव बच्चा सिंह क्यों नहीं है? हाँ, जबकि सच्चाई यही है, आप सच को पलट रहे हो। उसके अलावा उनका सवाल यह था कि एक आदमी जो समाज को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका समाज कहां है? बेटी मर गई, बीवी मर गई, मां बाप नहीं, दोस्त नहीं, तो अर्धविक्षिप्त हो गया, अंत में वो टेररिस्ट हो गया। ये लॉजिक, इसका जवाब जो है कि आप किस समाज को बचाने की बात कर रहे हो। दरअसल ये वो अमित जी के दौर में ये सब घटनाएं जो हैं जो होती थी कि युद्ध करके जो है वो सबको मार देते थे, ये भी भावना के तहत ये काम हो गया। लेकिन बहुत ही मेजर सवाल खड़े हुए कि भाई जो आदमी समाज को बचाना चाह रहा है उसके इर्द गिर्द का समाज कहाँ है? ये सवाल कितना उत्तेजक लगता है ये पता नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि हाँ शायद उसका एक समाज होना चाहिए था। दिलचस्प है ये, सही कह रहे हैं आप। मतलब एक तो यही चीज कि व्यूअर्स कैसे कैसे अप्रोच करते हैं किसी भी कहानी को, और इसीलिए उसके पीछे का जो आर्गुमेंट है पूरा, बिल्कुल लॉजिक कि लॉजिक कहाँ है उसके पीछे? भावना है, भावना घातक होती है, क्योंकि जितना भी आप देखोगे दुनिया में जो टेररिज्म चल रहा है वो भावना के आधार पे ही तो चल रहा है, उसके पीछे लॉजिक कहाँ है? जिस दिन लॉजिक किया जाता है कट्टरपंथी बन जाते हैं, कोई आईसीएस में लड़ने पहुंच जाता है, कोई कहीं, कोई भी कहीं भी, तो इसलिए वो भावना ये खेल जो है बड़ा डरावना। अच्छा एक बात होता है ये दादा, अभी आप ये बात कर रहे हैं कि भावना और लॉजिक, लेकिन ऐसा पता चला है कि जब आपको पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिला तो आपकी माताजी ने मना कर दिया और कहा कि तुम भावना वाले आदमी हो, घर मिजाज के आदमी हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपकी मतलब ट्रेनिंग लॉजिक की है या इमोशन की है या कहीं बीच का कुछ है? दरअसल क्या है ना कि एक आदमी अपने आप को जब ठीक करता है तो वो जरासीम तो अंदर ही रहता है ना, क्रोध है अंदर, क्रोध खत्म नहीं हो सकता है, मूल तासीर है। चुप बैठे रहेंगे तो भी लोगों को भय लगता रहेगा हमसे, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आने लगता है कि ना भाई ऐसे ही आदमी है, ऐसे ही बैठता है, ऐसे ही बोलता है। लेकिन अगर क्रोध आ गया
तो कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि क्रोध में कुछ भी सही नहीं होता है और भावना में कुछ भी सही नहीं होता है। तो उनका यह कहना था कि भाई तुम जो कर रहे हो वही करो, यहां तुमको ताकत मिल जाएगा, कभी भावुक होकर कुछ कर दोगे, कभी क्रोध में आकर कुछ कर दोगे। जैसे कहां से था ऑफर, है कहां से था ऑफर? ये 77 में तो था ना, 77 में था भाई लड़ लो। अरे जैसे भाई कोई 77 में पार्टी थोड़ी बनी थी, कहा कि मनेर से लड़ लो। हम बोले नहीं भाई, हम थिएटर कर रहे हैं, वो नहीं करना। पहले ये बहुत बड़ी चीज नहीं मानी जाती थी। फिर उसके बाद जो है एक बार देखे पेपर में अनाउंसमेंट हो गया, गए ये अनाउंसमेंट कहां से, लोग बधाई देने लगे, फोन पे आने लगा भाई बधाई हो तो हम बोले ये क्या है, पेपर कटिंग आ गया। तो मेरे घर के बगल में जो रहते वो पॉलिटिकल है, वो अब नहीं रहे, तो हम पटना गए, हम बोले आप क्या किए हैं। बोले अरे ठीक है ना, उधर एक्टिंग करते रहो, ये भी हो रहेगा रहेगा, अपना क्या प्रॉब्लम है। हम बोले भाई हम एक बार में एक ही काम करते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद तीसरी बार जो है हमको इशारतन, जब उनके बड़े बुरे दिन आए थे तो हमसे कहा गया, अरे तू खड़ा हो, कि एक तरफ वो शेखर सुमन खड़े थे और एक तरफ शत्रु जी खड़े थे। बोले अरे यार ये लोग खड़े हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हम बोले वोट काटेगा ना, तुमको वोट काटने, तो वो वोट कटुआ। तो पॉपुलर तो हम भी हैं उस इलाके में, अपने इलाके में रहे हैं उस जमाने में। तो ऐसे जो है सत्ता में आपको पहुंच ऐसे ही होती है कि आपको इशारा होता है, आप लपक लेते हो। तो वो लपकना जो है मेरे लिए संभव नहीं था। मुझे लगा नहीं यार हम नहीं लपक सकते हैं, जो कर रहे हैं वही करें, और माँ जो बोली है वो ठीक ही बोलती है कि कभी तुम भावुक हो जाते हो और कभी तुम गुस्से में आ जाते हो। तो अपना एक काम करो, सही से करोगे, इसमें तुम जो है ना गुस्से में आते हो ना भावुक होते हो, ये बड़ा ईमानदारी से काम तुम करते हो। तो हम ईमानदारी से लगे हुए हैं इस काम में, और क्या। अच्छा देखिए, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, पिताजी का, माताजी का, भैया का जिक्र आया, बीच में एक वाक्य आया था कि फिर मैंने शादी कर ली। कब की थी आपने शादी? 95। अच्छा, क्या करती थी पत्नी आपकी? वो पढ़ाती थी, वो पटियाला की हैं, सरदार हैं, मनोरंजन धालीवाल, और वो भी ब्रिटिश सिटीजन हैं, वो लंदन में पैदा हुई थी। पिताजी उनके वहां से इंजीनियरिंग किए थे, वहीं इंजीनियर थे, लेकिन उनके पिताजी ने अकेले बेटा थे उनके, तो उनको बुला लिया कि भाई इधर आओ, कौन देखेगा खेत वेत अपना, तो वो जो है छोड़ छाड़ के इधर चले आए पटियाला। तो वो वहां पैदा हुई थी, तो उनके पास रेड पासपोर्ट है। तो बाद में, बहुत बाद में जो है उन्होंने वो अपना पासपोर्ट जो है फिर से जीवित करवाया, तो अब वो यहाँ पे वो हैं। दो कैसे हुई मुलाकात आपकी? वो नवनीत निशान की के साथ पड़ी हुई थी, और नवनीत निशान ने जो है नवनीत निशान मेरे बहुत करीब रही है, काफी क्लोजनेस रहा है स्कूल में भी, और मतलब उसके जीवन की लगभग हर चीजें जो हैं वही वैसे ही, जैसे कि एक दोस्त कह लीजिए, भाई कह लीजिए, वैसा एक सलाहकार के रूप में रहे हैं। जब तक सत्ता नहीं आई तब तक की बात कर रहे हैं। तो वो उसी के यहाँ हर रोज जाना आना तो सब बना ही रहता था, बंबई में बस सब सारे दोस्त उधर ही जाते थे उसी के यहाँ, क्योंकि उसी के पास अपना एक फ्लैट था, तो सब लोग वहीं बैठते थे। और उसके बाद जो है 95 में, 93-94 में उनकी मदर ने कुछ इशारतन हमसे कुछ कहा, हमने कहा नहीं नहीं हमको शादी नहीं करना है, क्योंकि हमको वाकई नहीं करना था। हम पाते ही नहीं अपने आप को कि हम इस योग्य हैं कि सहज सरल तरीके से जीवन जी सकें, ऐसा हमको लगता है। तो खैर वो आई मिलने के लिए नवनीत से। दरअसल दो माओं का ये एक आयोजित वो प्रयोजन जैसा कुछ था कि भाई मिला देना,
तो प्रभु की इच्छा है, मतलब उन्होंने जो है 3 दिन 4 दिन 5 दिन रही बंबई में, और नवनीत ने कहा चाह घुमाना घुमाना। बोले यार मैं क्या घुमाऊंगा यार, मैं खुद ही नहीं घूमता हूं, मैं कहाँ घुमाऊंगा। बोले देखो दिखाओ ले जाके। तो हम वही एडिटिंग वो चलता था, तो एडिटिंग वो उधर चले गए लेके। तो अफाक भाई आए इतना VHS का कैसेट लेके, बोले ले ये भी दिखा दे। बोले अरे ले जाके कहीं घुमा। हम बोले अरे अब आप भी भगा रहे हो। बोले अरे घुमाने ले, यहाँ बैठा के सीरियल दिखा रहे हो तुम। खैर तो ऐसे जो है फिर जिस दिन जाने का उनका एक दिन पहले हुआ, तो बात हुई कि भाई बताओ क्या विचार है तुम्हारे। अब मेरा कैसे विचार हो सकता है भाई, पैसा जो है वो कमा रहे हैं, कल नहीं कमाएंगे भाई, तो देखे हुआ ना, तो भाई कैसे रहेंगे, हमको तो दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बोले मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो जो हूँ ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, आज कमा रहा हूँ कल नहीं कमाऊंगा, ऐसे आदमी के साथ ये रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे भगवान जाने, तो बताना तो इनको। उन्होंने भी कहा कि भाई मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये कौन है क्या है नहीं है क्या होगा। और नवनीत की मदर ने कह दिया अरे ये दोनों तो शादी के लिए तैयार हैं। और नवनीत अंदर उछलते हुए ओए बल्ले 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 कर, ना हम कुछ बोले ना वो कुछ बोली, शादी हो गई बस। अभी इस साल 25 साल बीत गए, ब्याह किया था। मतलब मेरी एक अपनी जो सोच है कि आप क्या करते हो, आप मैरिज करते हो, आप निकाह करते हो, ऑप्शन है वहां, हमारे यहां ऑप्शन नहीं है, आप ब्याह करते हो, उसके अपोजिट कुछ नहीं है। दादा खोल के बताइए इस चीज को। और मतलब जब आप ब्याह करते हो तो उसके आगे डिवोर्स नहीं है, मैरिज में डिवोर्स है। जब आप निकाह करते हो तो उसके आगे तलाक है, ब्याह के आगे तलाक नहीं है। तो जब आप ब्याह किए हो तो ये निश्चित रूप से है कि जीवन के अंत तक एक दूसरे के प्रति समर्पण रहे। तनाव अगर नहीं है तो इसका मतलब आप जी नहीं रहे हो। अगर परेशानियां उलझन तकलीफ दुख नहीं है तो इसका मतलब आप जीवन जी नहीं रहे हो। जीवन के ये सब अलंकार हैं, जो ही तकलीफ आती है दुख परेशानी उलझन आती है इसका मतलब भगवान आपके बगल में बैठा है। जो ही आप खुश होते हो सुखी होते हो समझ लो तुम्हारे खतरे की घंटी बज चुकी है, भगवान जा चुके हैं। इसलिए सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत होती है खुशी के क्षण में, सुख में, कि कहीं कोई अनुचित कार्य न कर बैठे, और लोग यही करते हैं और इसका भुगतान करना पड़ता है उनको। तो ऐसे शादी हो गई। हम दरअसल एक फिलॉसफी की तरह से बहुत बात करते हैं, लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि आप जो है हर चीज जो है फिलॉसफी की तरफ चले जाते हैं, पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं। तो मतलब जैसे ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे हमने मुंह से निकल गया कि अभिनय एक जादू है जो जादू से नहीं होता। समझ लिए तो करने लगेंगे, नहीं समझे तो कोटेशन है। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो मतलब मैंने मुक्त कंठ में चुटकी, इसकी झलक मिलती रहती है। हाँ मुक्त कंठ में आपको इसकी झलक मिलेगी। और अपने क्या नाम है मेरे मित्र, अपना क्या नाम, अपने जो नीलाभ, जी उनसे मित्रता होती, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया अच्छा था इसके लिए, रंग प्रसंग के लिए। अच्छा तो उनसे जो बातचीत हुई, हम आपको 4 लाइन सुनाना चाहते हैं। जी प्लीज।
शुरुआती दिनों में मैं पहलवान था, खूब मन से पहलवानी की। एकाएक मन में आया कि कुछ पढ़ा जाए, तो मैंने पुस्तकालय का रुख किया। पुस्तकालय में भी मेरी रुचि किसी एक विधा में नहीं थी, सिर्फ इतना तय था कि पढ़ना है। तो जैसे अखाड़े में पहलवानी करता था, अब पुस्तकालय में पुस्तकों के साथ पहलवानी करने लगा। मेरी कोई दिशा तय नहीं थी, मैं मोटी बुद्धि का था। पुस्तकालय में किताबें थी और मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये तय नहीं था। बस जितनी मोटी मोटी किताबें थी पढ़ गया, मोटी बुद्धि का था, पूरी पुस्तकालय पढ़ गया, कुछ भी तय नहीं था। बस वही पहलवानी वाला सिद्धांत, रास्ते से हट जाओ नहीं तो पटक देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कितनी पुरानी बातचीत है ये जो रिकॉर्ड हुई थी, ये जो आप, ये जो रंग प्रसंग की बातचीत है, ये कब हुई थी ये बातचीत? ये उनके डेथ के बाद ये निकला है। वो उनकी मृत्यु जब हुई उसके पहले इन्होंने लिया था और उसके बाद ये छपा है। तो हम ये ऐसे ही रिकॉर्ड किए हुए हैं, हम इसको तो रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो हमने जो है एक दिन कुमुद से कहा, कुमुद हम तुमको कुछ सुनाते हैं। कुमुद मिश्रा, कुमुद को, हाँ हमने कुमुद को सुना दिया। कुमुद ने कहा ये तो बहुत सही नाटक है। हम बोले अबे नाटक नहीं है, मेरे बारे में। बोले बस आप यही कर दीजिए, ये नाटक है। आपने कुमुद भैया के साथ किया है काम किसी उसमें, मतलब आपने थिएटर बहुत किया? मेरी जानकारी नहीं, माफ करिएगा इस सवाल के लिए। नहीं, वो इसलिए कि लोग बहुत जूनियर रहे हैं और नहीं, अभी के जो मुंबई का सर्कल है इसमें अभी तो कुमुद भैया अभी भी लगातार करते रहते लोग हैं। कहां हमको जो है पका शुरू हुआ था एक बार, मानव कॉल ने तो निकाल ही दिया था हमको प्ले से। मैं इस पे जो कहती हूँ एतबार नहीं करूंगा, मुझे मानव कॉल और कुमुद मिश्रा से तस्दीक करनी होगी कि प्रसंग क्या है। नहीं नहीं मैं बता देता हूँ जी, निकाला गया है मुझे। और उस व्यक्ति को जो अपने आप को मठाधीश समझता है उसे निकाल दिया गया। और निकालने के लिए प्रोड्यूसर का फोन आया कि भाई डायरेक्टर आपसे जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए आज से आप मत आइए। और सब हमको भी नहीं भाई बोलने वाले। डायरेक्टर कौन थे? मानव, वो था पीले स्कूटर वाला आदमी। हाँ। मानव खुद ने स्वीकार करता है कि मैंने ऐसा किया है। वो था पीले स्कूटर वाला आदमी और हाँ। उसमें हम वो रोल कर रहे थे जो बाद में मानव ने किया है मेरे बाद। तो हम बाप हैं, वो बेटा बना था। तो एक तो जो ही जब रीडिंग शुरू हुई तो सबका मोबाइल सब वही रीडिंग में एसएमएस भी कर रहा है, मुझे तो भेजा झंझन आ जाता था मेरा। उसके बाद जब ब्लॉकिंग शुरू हुई तो उसने कहा कि इधर गोपाल दत्त गोपाल बैठा हुआ है, इधर सोफा पे कुमुद लेटा हुआ है, इधर सीढ़ी से ऐसे वो तीन चार सीढ़ी थी ऐसे होते हुए हमको इधर पीछे खिड़की की तरफ उसने कहा चले जाइए। हम बोले फिर मुझे ये दिखाई देगा गोपाल, इसका क्या करूं? फिर ये इधर कुमुद दिखाई देगा, उसका क्या करूं? बोले नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए ना। बोले छोड़ कैसे दें, वो अंधेरे में है क्या? वो अंधेरे में? बोले नहीं अंधेरे में नहीं है। हम बोले तो मैं क्यों नहीं देख रहा हूं, घर वही है या कोई और पैसेज है? अब मेरे सवाल चालू हो गए, क्योंकि जब तक ठोस नहीं होंगे हम क्रिएट कैसे करेंगे। इसी बात पे जो है उसको लगा भैया ये आदमी जो है बहुत सवाल करेगा और नाटक हो नहीं पाएगा, तो मुझे निकाल दिया। तो मैं कहता हूं मानो को, कभी तुमने तो निकाल दिया था प्ले से, जो लालायित रहते हैं लोग विनीत जी आ जाए प्ले में, तुमने निकाल दिया। क्या बोलते हैं वो? है वो तो मानने को तैयार नहीं हम लोग। कुमुद भी हंस के टाल जाता है, क्या बोले? ऐसा नहीं है, मानो आज भी जो है बड़ी प्रिय है, सब कुछ है। नहीं नहीं जिक्र देखिए, सब बहुत आदर से करते हैं। हाँ हाँ वो तो इसीलिए भले ही वो आपकी किसी की नजर में रुक्षता और आपकी नजर में आपका जो जो स्वभाव शब्द बना है स्वाभाविक से कि बिल्कुल स्व से ये जो भाव आया है तो हरी मूरत देखी तिन तैसी वाला मामला। हाँ, जबकि आप ये सोचिए कि हम जाते थे जिम और एक दिन वो जिम में आया और जिम के सामने वो रहता था। हाँ। उसने कहा कि विनीत भाई ये प्ले कर ले। हम बोले यार कहाँ फंस रहे हो, पकाऊ आदमी हूं मैं, पुराना एक्टर हूँ, डायरेक्टर की तो वाट लगाए रहता हूँ,
बहुत लड़ाइयां होती हैं, छोड़ दो, चला गया, नहीं कुछ बोला। दूसरी बार फिर आया, फिर हमने कहा, तीसरी बार फिर आया, हमने कहा यार बात समझो। चौथी बार जब आया तो हमने कहा कि क्या है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुमको मालूम नहीं है कि हम लोग जब थिएटर करते हैं तो तार तार उधेड़ देते हैं, धागा खोल देते हैं। सारे धागे खोल देते हैं फिर बुनते हैं। तो सामने वाले कहेगा भाई तो बुनना ही था, तो भाई वो बुनावट मेरी होगी ना, रेप्लिका थोड़ा हमको बनाना है, हम तो क्रिएटर कहलाते हैं ना। तो आप रेप्लिका बना रहे हो, तो हमारे यहाँ लोग रेप्लिका बनाते हैं। आप ये जिम का जिक्र कर रहे थे, मुझे कच्चे धागे का वो प्रसंग ध्यान आ गया जिसमें आप जिम करके सो जाते थे और एक दिन सुबह दरवाजे पे धड़ 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 धड़। हाँ नहीं, वो तो शूटिंग के बाद हम जिम शूटिंग के बाद लौट के आते थे, जिम करते थे, और उसके बाद बगल में जो है वो सदाजी का था शैक, और उसके बगल एक तरफ टीनू वर्मा का था। हाँ तो हम अपना जिम, अब थक जाते थे, बहुत ज्यादा होता था एक्शन, उसके बाद जिम में जाके करते थे, उसके आके सो जाते थे खाके। रात में धड़ 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 दरवाजा पीटा, गुस्सा आया, ऐसा नींद लग गई थी, गुस्सा आया, गुस्से में आ गए, ये दरवाजा खोले, देखे कि सारा यूनिट खड़ा हुआ है, अजय जी खड़े हैं, सैफ साहब खड़े हैं, कैमरामैन खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, और दारू का बोतल पीछे लिए बॉय खड़ा है उनका। वो बोले कि जब जो ही गाली निकली मेरी आंख फैली ऐसे करके, उन्होंने तुरंत उनको समझ में आ गया, गाली बिहार में बहन और माँ की गाली जो है बर्दाश्त नहीं होता है। तो उन्होंने कहा अरे चुप, तुम सोरा सब हीरो जगा हुआ है, तुम लोग तुम कैसे चलो। हम कहे आज तो जो है फिर खींच के लाए, फिर रोजे जो है उनके उसमें जो है बैठे रहे कि भाई सब लोग दरबार लगा हुआ है तो उस दरबार में। लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ काम करोगे। किसने? अजय देवगन ने, अजय जी ने। हाँ। बोले अरे इसीलिए आए हैं। फिर उन्होंने जो है एक नंबर दे दिया कि तुम इस फोन करके तुम मिलो हमसे। अब हम ठहरे आलसी आदमी, कहाँ फोन करेंगे, कहाँ मिलेंगे, इतना करना होता तो हम आईएएस नहीं बन जाते हैं। काम दो उसमें मेहनत कर लेंगे, काम खोजने नहीं उठेंगे। तो हम आज तक बंबई में 31 साल में किसी के दफ्तर नहीं गए हैं मिलने, फोन आया है तो हम गए हैं, या दोस्ती खाते में गए, दोस्त है चले गए, ऐसे ही मुंह उठाए वह अभी मीटिंग चल रही है चले जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोस्त है बोला चले जाए चले जाए, तू कर लो मीटिंग अपना। तो काम खोजने का जो है चक्कर मेरा कभी रहा नहीं कि भाई जा रहे हैं काम खोजने निकले, नहीं काम नहीं खोजना। अच्छा ये बताइए दादा कि ये काम की जैसे बात हुई, आपने अजय देवगन का जिक्र किया, मनोज वाजपेयी का जिक्र आया, संजय भैया का आपने जिक्र किया, टिशु का जिक्र किया, ये हम मतलब आगे भी जब कभी बात करेंगे तो अलग अलग चीजों की बात होगी, लेकिन आखिरी में मैं चार चीजों पे आपकी राय जानना चाहता हूँ। राय से ज्यादा उसको रेकमेंडेशन समझिए कि विनीत कुमार व्यक्ति रूपेण संस्था क्या बोलते हैं इन चीजों के बारे में। एक तो हालांकि आपने कहा है कि मैंने बहुत बाद में फिल्में देखनी शुरू की, पर आपको लगता हो कि कुछ फिल्में हैं जिनको उनका दाय नहीं मिला, ड्यू नहीं मिला, वो जिस तरह की अप्लॉज की या जिस नजर की हकदार थी वो, या आपको लगता हो कि इन फिल्मों को जरूर देखा जाना चाहिए दुनियादारी अभिनय सब चीजों को सीखने के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे बड़िंग एक्टर्स हैं वो भी ललन टॉप देखते हैं और इस चीज में उनका बड़ा चाव होता है रिकमेंडेशन सेक्शन। तो आप फिल्में या थिएटर, आप जैसे आपने कहा कि मैं तुगलक पढ़ डालता था आधे अधूरे, तो कौन से प्ले हैं जिनको बार बार जिनका पुनर्पाठ किया जा सकता है, और फिल्में? देखिए फिल्म का हमको याद नहीं रहता है, इसलिए हम बहुत ईमानदारी से बताएंगे हमको याद नहीं रहता, हम फिल्म देख लेते हैं भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं कि मुझे लगता है कि ये देख के हम इसका आनंद ले चुके हैं, बस खत्म।
बहुत देखता हूँ, अंग्रेजी फिल्में देखनी मैंने शुरू की हैं पिछले 2-3 साल से, और हिंदी दक्षिण फिल्में भारत की जो किसी फिल्म का आप जिक्र कर सकें अगर, कि जो देखी जानी चाहिए। हमारा एक प्रोग्राम होता है लल्लन टॉप पे, भारत टॉकीज। भारत टॉकीज में हम गैर हिंदी फिल्मों के बारे में बताते हैं हर हफ्ते, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली। एक फिल्म जो है वो ये तमिल फिल्म है, नाम हम भूल रहे हैं उसका, जी वो फिल्म इसलिए बहुत पॉपुलर हो गई है, नहीं चली नहीं शायद, कि उसमें एक पूरी फिल्म में जो लड़की है वो न्यूड है। ओके। और ये फिल्म क्या नाम है उस फिल्म का, हम बोल रहे हैं हिंदी में, शायद कोई बनाना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है। ये फिल्म जो है कि एक लड़की है जो बिंदास है, और वो दोस्तों के साथ पार्टी हो रही है, और पार्टी में जो है वो कुछ वो ऐसे वो करती है, वो जो लोगों को नहीं बनाते हैं, कुछ कर देते हैं, घटना घट गई और 4 आदमी जुट जाते हैं और कहते हैं जी जी वहां कैमरा है, कैमरा है, वो जो एक इस तरह का चलता है ना शो, प्रैंक प्रैंक शो जो, हाँ, तो वो लड़की वो प्रैंक शो करती है, और वो एक दूसरी लड़की है जो बाद में पता चलता है वो लड़की जो है वो उसकी वजह से उसको बड़ी जिल्लत महसूस हुआ और कुछ हुआ। तो ये लोग पार्टी कर रहे हैं, जब पार्टी खत्म होता है तो बहुत वो पी चुकी है, जब पार्टी खत्म होती है तो देखती है वहां कोई नहीं है और वो नंगी है, एक कपड़ा नहीं है उसका, और वहां कोई नहीं है, ऑफिस है वहां कोई नहीं है। तो पूरी फिल्म में वो कैसे वहां से निकलती है, कैसे क्या होता है, तो मुझे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर फिल्म में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ये बड़ी कमी फिल्म है कि एक आदमी ऐसे सिचुएशन में आ जाता है जहां की वो बाहर जा ही नहीं सकता है क्योंकि वो नंगा है, तो कैसे फिल्म उसने बनाई, ये कॉन्सेप्ट बड़ा हमको अच्छा लगा। अच्छा, और और जी फिल्में हमको जैसे बहुत आपने अपीलिंग कहा बहुत याद कम नहीं है। रहती, वो ठीक है। जैसे दक्षिण की दादा इतनी फिल्में कर रहे हैं, तो तेलुगु या कोई भाषा सीख भी लिया आपने या अभी? नहीं, नहीं, हमको अपनी फिल्म नहीं मालूम है उसका नाम क्या है, नहीं, हम मैं फिल्म भाषा देखते की हैं। बात कर रहा हूँ। नहीं, भाषा तो मतलब उनकी जरूरत है, वो हमको लिप सिंक करते हैं। अच्छा, किताबों में क्या रेकमेंड करेंगे? किताब किसमें? कौन सी किताब किताब है तो सहे हर नौजवान हर है? किताब पढ़िए, कौन सी, कोई दो चार पांच किताबें बताइए। ये आप जो ऐसे समय में पूछ रहे हैं जब मैं भ्रष्ट हो चुका हूं। मैंने अभी पहले आपसे कहा था कि इन 3 सालों में मैं सिर्फ भ्रष्ट हुआ हूं, पढ़ाई लिखाई बंद है, जो पढ़ता हूं तो कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे अगर अगर मैं कहूं तो आप लोगों को अगर लगे तो पढ़ के देखें, रसूल हमजा तोप का मेरा दागिस्तान हाँ है। जी, अब एक किताब आप पढ़ लेंगे तो जीवन ही समझ में आ जाएगा कि भैया इस आदमी ने खाली 3 सवाल पे कि क्यों लिखें, कैसे लिखें, कहाँ लिखें पे पूरा उपन्यास लिख डाला, वही जीवन है। बिल्कुल। तो पहली लाइन पे जो 2 लाइन वो कहते हैं कि तुम अगर तुम अगर मतलब पीछे को उसमें उन्होंने क्या शब्द दिया है कि अगर तुम पास्ट पे गोली चलाओगे तो फ्यूचर तुम पे तोप के गोले बरसाएगा, अबू तालिब की वो एक लाइनें हैं। ऐसी किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं, मतलब मेरा तो कहना है कि आप सब पढ़ जाओ, प्रसाद पढ़ जाओ, अष्ट पढ़ जाओ, प्रेमचंद पढ़ जाओ, जहां मिले जो मिले पढ़ जाओ, पढ़ो, क्योंकि पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो, इसलिए सरल किताब पढ़ना शुरू करो, धीरे 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 पढ़ने की जब आदत हो जाएगी
तो आप खुद ब खुद उसमें जो है कठिनता जो है खोजने लगोगे। वो सरल चीज जो है जो आप पढ़ रहे हो वो अचानक आपको कठिन लगने लगेगी। प्रेमचंद बहुत कठिन कहानी लिखते थे लेकिन इतना सरल लिखते थे कि आपको तुरंत समझ में आ जाता था। बिल्कुल तो हमको ऐसा लगता है कि पढ़ने की आदत डालनी चाहिए पहले, इससे पहले कि आप किताब खोजें। अच्छा, संगीत किसको सुना जाए? अब ये सब मैंने पहले ये कहा कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके अरे दिमाग आवाज में ऐसे नहीं, आप हमको अधर्म सही में तो छोड़। अरे सच बोलना भी गुनाह है। नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है, थोड़ा संगीत सा में अपनी देखिए याददाश्त को दम दीजिए, मैं नहीं, बताइए क्या संगीत सुने। में मैं जब भी सुनता हूं तो संगीत की मुझे कोई समझ नहीं है, लेकिन जब भी सुनता हूं तो मैं उस्ताद नुसरत को सुन लेता हूं, कुमार गंधर्व को सुन लेता हूं। ऐसे ही जो है दो लोग हैं जिनको कि सुनने में बड़ा आनंद आ जाता है और मजा लेता हूं। मैं तो लगा देता हूं, मैं जब फ्लाइट में बैठता हूं तो नुसरत साहब कान में बजते रहते हैं। मैं तो जिम में भी नुसरत साहब को सुनता हूँ। लोग कहते हैं इसको हाँ, सुनकर, बोले तुमको ना समझ में आएगा ये हमको समझ में आता है कि अच्छा, और कहना कोई उनकी गलत कवाली गलत जो लूप है। में सुनते हो? हाँ कव्वाली के रूप में मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई आनंद कवाली उनकी जो लूप में सुनते हो, लगातार सुनते हो, ऐसा कोई? कहना गलत गलत है तो छुपाना सही सही। बहुत बड़ी लाइन है ये, अगर गलत कहना गलत है तो सही से छुपाओ। अब ये प्रेम कविता है एक तरह से दिखाई देता है। जी तो हमको अच्छा लगता है। और एक जो चीज मैं आपको बताऊं कि मैं याद नहीं रखता हूं, अभिनेताओं की जो सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए कि उसे कुछ भी याद न रहे, वरना वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। वो जो है भाव उसके दिमाग में आ रहना चाहिए, वो भाव जो है रिक्रिएट होगा। अगर शब्द याद होने लगेंगे तो शब्द का रेप्लिका सामने आने लगेगा। क्या बात है। तो हम सब कुछ भूलते हैं, भूल जाओ, हमको याद नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो ही तुम्हारा अभिनय समाप्त हुआ वो डस्टबिन के लायक है मेरे लिए। उसे अगर मैं सजा के रखूंगा तो जीवन भर वही करोगे। इसलिए अभिनय मेरे लिए सजा के रखने की चीज नहीं है। करने के बाद वो मेरे लिए बेकार है, लोगों के लिए जो है वो अच्छा हो, यही आपकी सफलता है, मेरा ही मानना है। ये जो चिता की आग से तपा और तचा शमशान भाव है, ये वही वैराग्य भाव है कि चीजों में है महादेव भी और नहीं भी। तेन त्यक्तेन भुंजी था। अब हमने इसीलिए कुछ सोचा कि आपको चुटकुले सुनाता चलूं। चुटकुले नहीं है जी लिखे मैंने, ये सब इसके नाम बहुत लिखे हैं, ऐसे ही आता रहता है दिमाग में और मैं लिखता रहता हूं। इसको मैंने नाम दिया है शब्द योग। ये शब्दों जी का योग है जो विचार के रूप में मुझे दिखाई देता है। आपका राम आपके अंदर है तो आपका रावण भी वही है। हम अगर अपने रावण को पहले नहीं पहचानेंगे तो हम अपना तो हमें अपना राम नहीं मिलेगा। और हम अपने राम का इस्तेमाल रावण की तरह करेंगे और हमारा राम ही हमारा रावण हो जाएगा। बात। हम अपने रावण की आराधना करते रहेंगे जो मूलतः मेरा रावण है, क्योंकि हमने अपने रावण को पहले पहचाना ही नहीं था। इसीलिए मैंने पहले अपने रावण को पहचाना और 78 से मुझे राम मिले, वो मिलना शुरू हो गए। तो सारी चीजें अंदर हैं, इसीलिए मुझे वो बात समझ में आती है कि भाई पहले तू अपना जो निगेटिव पार्ट है उसको समझ, वो परेशान करता है तुमको। ऐसे ही कई चीजें हैं कि हमारे जीवन की सफलता है हमारे सांसों का चलते रहना। जैसे ही सांस बंद होती है मूल्यांकन शुरू हो जाता है,
फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब सफलता धन कुर्सी सत्ता नहीं, सांस का चलते रहना है सफलता, बाकी जीवन के साधन हैं जिसे हम सफलता कहने लगे। ऐसे ही सब लिखा है जो है कि आंदोलन शब्द जो अभी बोल रहे थे, आंदोलन शब्दों से नहीं होता, जब शब्द खत्म या चुप हो जाते हैं तो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ऐसे जो है ढेर सारी चीजें मैंने लिख छोड़ी हैं जो हम कभी कुमार ऐसे ही लिखते पढ़ के आनंद रचते रहे, अभिनय करते रहे अपनी कला से, बिना किसी किस्म का, उन्हीं के शब्दों में कहें तो, संप्रगति का भाव लिए हमें समृद्ध करते रहें, और कवियों की ही भाषा में कहें तो हम और बेहतर मनुष्य होकर और कृतज्ञ मनुष्य होकर लौटे, बस इसी उम्मीद के साथ। यही मूल मंत्र है जो आपने अंत में कहा है, मनुष्य बरगद बरगद की छांव से फिलहाल उठते हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इस बातचीत के मार्मिक प्रसंग कैसे लगे? मुझे ऐसा लगता है कि हर आख्यान में कुछ मार्मिक प्रसंग होते हैं जहां हम ज्यादा ठहरते हैं, जैसे हर पगडंडी में किसी दरख्त की छांव ज्यादा होती है तो वहां पे आश्रय स्थल बन जाता है, और मार्मिक स्थलों के बारे में हम बात करें। बरगद का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। विनीत कुमार जी, आप स्वस्थ रहें और आपके भीतर विचारों का दोलन होता रहे। ये संघर्ष रुकना नहीं चाहिए, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुकून आ जाता है तो फिर जुनून को अवकाश मिल जाता है, और जुनून को अवकाश ना मिले, नहीं मिलेगा। हम आपके आभारी हैं, और सौरभ जी आप स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें ये कामना है, और लल्लन टॉप अब बोलना आप परिचित थे लल्लन टॉप से जब सिनेमा टीम ने संपर्क किया उसके पहले? लल्लन टॉप तो हम बहुत दिन देख रहे हैं ना, वो तो बहुत सारे चीजों को करते रहते हैं। अच्छा। तो उसमें कई चीजें आती रहती हैं, तो कई बार जब दिख जाता है तो हमको लगता है कि मैंने उस पर क्लिक भी कर रखा है। अच्छा, सब्सक्राइबर हैं आप हमारे? हाँ, क्योंकि बार-बार प्रणाम। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ये पुनीत कार्य करें, बरगद के एक और एपिसोड के साथ साथ फिर हाजिर होंगे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि खेला सांस के लौटने का है, और जब तक खेला है भरपूर खेला जाएगा। देखते रहिए लल्लन टॉप।